वायुर अनिलम अमृतम अतः इदं भस्मन्तं शरीरम्। ओम कृतो स्मरः कृतं स्मरः कृतो स्मरः कृतं स्मरः। तो इसमें बड़े सुंदर ढंग से ये स्तुति वेदों के अंदर आती है, उपनिषद में आई है, ईशो उपनिषद में। वायुर अनिलम अमृतम अतः इदं भास्मन्तं शरीरम्। ओम कृतो स्मरः कृतं स्मरः कृतो स्मरः कृतं स्मरः। तो इसमें कहा गया है वायु, जब भी किसी का शरीर छूटता है तो डेथ क्या होती है, सेपरेशन ऑफ सोल एंड बॉडी, आत्मा और शरीर का अलग हो जाना ही मृत्यु कहलाती है। लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है, हमेशा जब भी मृत्यु होती है शरीर की होती है। तो प्रश्न उठता है कि शरीर कभी जीवित हुआ था, जब तक आत्मा थी तब तक वो जीवित था, लेकिन शरीर तो कभी जीवित था ही नहीं। हम लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, परंतु इसका बर्थ तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो शुरू से ही मृति है। साधु ये मुर्दों का गांव, ये गांव मुर्दों का है। तो जब ये शरीर छूटता है, वायु, हमारे शरीर में पांच प्रकार की वायु है जिसे प्राण वायु कहते हैं। अनिलम शब्द का अर्थ है कि इस संसार में पूरे में वायु है, और यह संसार के अंदर यह वायु मिक्स हो जाती है। वायुर अनिलम अमृतम, अगर कोई व्यक्ति इस कंसेप्ट को समझ जाए तो वह मृत नहीं होता, अमृतम उसकी मृत्यु नहीं होती है। कि हम कुछ नहीं है, हमारे अंदर प्राण वायु है, शरीर समाप्त हुआ, आत्मा निकल गई यानी हम निकल गए, बॉडी हो गई डेड बॉडी, और वायु वहां गई, पूरे संसार ब्रह्मांड में जितनी वायु उसमें जाके मर्ज हो गई। वायुर अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मंतम शरीरम। जब वायु प्राण वायु संसार में मिल जाती है तो भस्मंतम यानी इस शरीर का अंत क्या है, भस्म राख, भस्मंतम शरीरम। लोगों के पास टाइम नहीं होता हरि कथा सुनने का, हरि कथा में आके भी इधर उधर लगे रहेंगे, अरे मृत्यु सबकी आने वाली है, जितने यहां पर बैठे हैं इसमें से कोई भी नहीं है जो बचने वाला है, हमारा अंत क्या है, शरीरम भस्मंतम, भस्म होने वाले इस सोसाइटी में जितने रह रहे हैं सब, मैं आप सब भस्म होने वाले हैं कि नहीं, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, भस्मंतम शरीरम, शरीर भस्म। फिर क्या करता है आदमी अंतकाल में, ओम ओम जोर जोर से चिल्लाता है, क्या करता है उस वक्त, कृतो स्मरह कृतम स्मरह, कृतो संसार को करने वाले, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले ईश्वर नारायण विष्णु कृष्ण, कृतो स्मरम मैं कैसे आपका स्मरण करूं, कृतम स्मरम मैंने आपके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया आपके लिए, पूरा जीवन खाया कमाया और अब भस्मंतम शरीरम मर रहा हूं। फिर दोबारा बोला कृतो स्मरम इस संसार को पालन करने वाले कृष्ण, कृतम स्मरम मैंने कभी आपकी ओर बढ़कर देखा, कभी आपके लिए कदम भी चला, सुबह उठा तो अपने लिए, शाम हुई तो अपने लिए, बस खा रहे हैं पैदा कर रहे हैं कीड़े की तरह और मर रहे हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है और हमारी आयु 100 वर्ष की है, और कीड़े की आयु उसकी भी 100 वर्ष की है, लेकिन टाइम डिफरेंस। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग घूम जाता, 43,20,000 वर्ष इंटू 1000, ब्रह्मा जी के 12 घंटे इंटू 360 एक साल, इंटू 100 एक जन्म ब्रह्मा का, और जितना दिन है उतनी रात्रि भी है, दिन को कल्प और रात को प्रलय कहते हैं।
ऐसे 360 दिन, ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी भी मरते हैं। हमें देखकर लगता अच्छा इतनी बड़ी आयु। और वो पतिंगा जो होता है ना, जो बारिश के दिनों में अभी देखने को मिलेगा, क्षमा कहे परवाने से यहां नहीं आ, वो आता है क्योंकि उसे जल जाना होता है। लेकिन जब वो जलता और मरता है तब भी सुबह उठ के आप देखते हैं बहुत सारे कीड़े चल रहे होते हैं। कौन होते हैं वो? वो नहीं होता है, उसकी थर्ड जनरेशन होती है। वो अपनी रात रात के अंदर ही बच्चे पैदा करता है, पुश्ते बनाता है, वसीयत लिखता है, ब्रांडिंग करता है, फैक्ट्री लगाता है, पैसे कमाता है, बैंक बैलेंस करता है, तीसरी पुश्त को पैदा करता है और सुबह तक खुद मर जाता है। उसके हमें लगेगा इतना छोटा सा जीवन, लेकिन उसके लिए उसमें ही आनंद है, भोग है, इंजॉयमेंट है, बच्चे परिवार ये वो। ब्रह्मा का 100 वर्ष, हमारा 100 वर्ष, कीड़े का 100 वर्ष, तीनों के 100 है। ब्रह्मा अपने वर्षों में भोग करते हैं, मनुष्य अपने वर्षों में भोग करता है, और कीड़ा अपने वर्षों में भोग करता है, पर भोग सभी करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो भोग रहित हो। तो इसलिए कम से कम जीवन में ऐसा काम तो करें कि जब शरीर छोड़कर जाए तो ये नहीं पूछना पड़े कृतो स्मरहा कृतम स्मरहा, क्या स्मरण करूं। इसलिए मनुष्य का क्या कर्तव्य है, जब ये शरीर भस्म होने की ओर जा रहा हो, अंत में कफ पित्त वात अटका हो, तो उस समय भगवान का नाम निकले। माता जी का परिवार तो अच्छा भक्त है, इन्होंने उनके अंतकाल में गजेंद्र मोक्ष पढ़ा, कीर्तन किया, श्रील प्रभुपाद जी का हरिनाम लगाया। घर में क्या लग गया? सूतक। दरवाजे बंद कर दो, पट बंद कर दो, पूजा नहीं होगी। पहले भी नहीं करी, अब भी नहीं करी। पहले 10 दिन मृत्यु के बाद बड़े प्राइम टाइम होता है, इस समय भगवान की पूजा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि 13 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसने शरीर छोड़ा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, वेद व्यास ने लिखा, पढ़ लो जाकर के। प्रेत खंड में लिखा है 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। मेरी नहीं, पंजाबी की भी रहेगी, उड़िया की भी रहेगी, बंगाली की भी रहेगी, सबकी रहेगी। चौथा कर दिया जी, चौथा प्रेयर मीटिंग है जी, चौथा पगड़ी मिलन है जी, चौथा हो गया, कबाड़ा कर दिया आत्मा का। तुम तो मुक्त हो गए, लेकिन उसका क्या? वो आत्मा भटक रही है, यही बिल्डिंगों में घूम रही है, इधर उधर परेशान कर रही है लोगों को। काम नहीं बन रहे, नौकरियां नहीं लग रही, शादियां नहीं हो रही, डाइवोर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? तुमने अंतिम संस्कार सही से नहीं किया आत्मा। षट क्रिया सार दीपिका पुस्तक में, गरुड़ पुराण में, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक फाइनल जर्नी, सेकेंड चांस, कमिंग बैक, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, बियॉन्ड इल्यूजन, इतनी सारी पुस्तकों से मैंने आपको लिए यह सार निकाला है। कितनी पुस्तक बताई मैंने? बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट्स, कमिंग बैक, सेकेंड चांस, फाइनल जर्नी, षट क्रिया सार दीपिका गोपाल भट्ट गोस्वामी की, गरुण पुराण वेद व्यास जी की, सब ग्रंथों का सार आपके सामने। एक किताब नहीं है, उपनिषद, ईशो उपनिषद, भगवत गीता, श्रीमद भागवतम, पढ़े आपने इतने ग्रंथ, अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हो। लोग आजकल अगर करते भी हैं तो कर्म कांड कर देते हैं, जो भी शमशान में किसी पंडित जी ने बोला बस वो कर दिया। लोगों को अपने शास्त्रों पर ही भरोसा नहीं है, फेथ ही नहीं है शास्त्रों पर, इसीलिए तो सबसे पहले पूजा बंद कर देते। कहां लिखा है कि पूजा बंद करनी चाहिए? अपने जीवन काल में भगवान को हटाकर आप क्या प्राप्त करोगे? टीवी बंद करो ना, भगवान को बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि सनातन भी दो प्रकार के लोग हो गए, द्विज और जो नॉन द्विज, अद्विज हो गए। द्विज कौन होते हैं? जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जो लोग शास्त्र को पढ़ते हैं। संस्कारात भवे द्विजः जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से सब शूद्र हैं, लेकिन जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वह द्विज कहलाते हैं। और कुछ सनातनी ऐसे, उनका वो जनेऊ भी नहीं पहनते, हिंदू कहते हैं अपने आप को लेकिन जनेऊ नहीं पहनते। पुरुषों को मालूम भी नहीं जनेऊ होता क्या है, 90% हिंदुओं को मालूम नहीं। शादी के टाइम पंडित जी डालते हैं, वह निकाल देते हैं, शादी हो गई, हो गया। तो ये हो गया, दो कैटेगरी में सनातन बट गए, द्विज और नॉन द्विज, यानी यज्ञोपवीत वाले, बिना यज्ञोपवीत वाले, चोटी वाले, बिना चोटी वाले, ये दो भाग में बट गए। अब इनके ऊपर
जो द्विज है इनके ऊपर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन नियमों का पालन करें। अगर जो जिनका यज्ञोपवीत है वो भी पालन करें तो उनकी भी मुक्ति होगी, उनके परिवार के लोगों की मुक्ति होगी। नहीं पालन करेंगे तो प्रेत तो घूम ही रहे हैं। प्रेत ने खुद ने यह बात बताई है कि जितनी संख्या पृथ्वी पर है उसकी 10 गुना प्रेत पृथ्वी पर घूम रहे हैं। कोई मुक्त नहीं होता, लिखते ना स्वर्गवासी हो गए, कोई नहीं जा रहा स्वर्ग में, यही घूम रहे, भटक रहे सब। इधर जला के आओ 13 सेक्टर में, आ जाएंगे 9 सेक्टर, 15 सेक्टर, 18 सेक्टर जलाओ और यही घूम रहे रोडों के ऊपर। क्या करें, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। द पावर ऑफ सोल, आज साइंस मान रही, डॉक्टर मान रहे, पूरा वर्ल्ड मान रहा है, भारत के हिंदू नहीं मान रहे। सोचो कितना बेड़ा गर्क हो रहा है हमारा, अपने को लेकर बैठे। मैं पंजाबी हूं, मैं बंगाली हूं, हमारे यहां नहीं होता, हमारे यहां नहीं होता, हमारे यहां नहीं होता। अरे क्या नहीं होता, आत्मा सबकी एक है, सबके साथ वही होता है, नर्क एक ही है। पंजाबी का नर्क अलग नहीं है, स्वर्ग अलग नहीं है, सबका एक ही नर्क है, एक ही स्वर्ग है। क्रिश्चियन का हेल और हेवन अलग नहीं है, एक ही हेल है, वही हेवन है, उसको अंग्रेजी कहो या हिंदी कहो, एक ही है। जेल होती है ना, तिहाड़ जेल अलग अलग धर्म के लिए नहीं बनाई है, सबको एक ही जेल में जाना पड़ता है। हॉस्पिटल अलग अलग धर्म के नहीं होते, एक ही हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ऐसी नर्क अलग अलग नहीं है, एक ही नर्क में जाना पड़ेगा। नहीं पालन करोगे आप पछताओगे। पढ़ लो अपने धर्मशास्त्र, वेद पुराण उपनिषद। किसी का जन्म होता है तब भी घर में कहते सूतक लग गया, बिल्कुल गलत शब्द है। जब किसी का जन्म होता है उसको जातक कहते हैं, जातकम। किसी का जन्म हुआ उसको जातक, जातक यानी जननी ने जन्म दिया है, उसको सूतक कैसे कह दिया। और जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको मृतकम कहते हैं, यानी किसी की मृत्यु, तो जातक और मृतक, जातकम मृतकम। अब इसको लोगों ने एक टाइटल दे दिया सूतकम, सूतक। सूतक का मतलब है ऑस्पिशियसनेस, घर के अंदर खराब हो गई है, अपवित्र हो गया है परिवार हमारा। तो जब जन्म होता है तब भी 10 से 12 दिन माता के ऊपर सूतक होता है। क्यों, क्या कोई कीड़े उसके शरीर को चिपक जाते हैं, क्या कोई इंफेक्शन हो जाता है उसको बॉडी को। जातक का अर्थ है उस समय, इसलिए सूतक लगता है जन्म के समय, क्योंकि माता ने डिलीवरी करी है और पेन में होती है, तो 10 दिन अपने पेन से बाहर आने के लिए, कई घरों में 40 दिन का नियम होता है, ओवरकम। क्योंकि वो वीक होती है तो उसको खाना खिलाना, उसको बोलो तुम उठो मत, उसकी हेल्प करना, इसलिए ये नियम दिए गए थे। ऐसा कोई नियम नहीं था कि माइक्रोब्स आकर चिपक गए मां के और पिता के, बोले अब ये अपवित्र हो गए, छू नहीं सकते। पिता के लिए जातकम होता ही नहीं है। जैसे बच्चे का डिलीवरी हुई, मां तो रहेगी कमरे में लेकिन पिता तुरंत स्नान कर सकता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पढ़ लो, लोगों ने अपने अपने नियम बना रखे हैं। 40-40 दिन तक पूजा ही नहीं हो रही घरों में, भगवान श्राप देंगे आपको, कैसे तुम मुझे लाके बैठा लिया मूर्ति मेरे घर, मुझे मेरी पूजा नहीं करते हो। आप अपने बच्चे को एक दिन भी भूखा रख सकते हो, भगवान को आप पत्थर मानते हो इसलिए उसको बंद कर देते हो। पत्थर माना, ताला डाल दिया, सूतक लग गया घर के अंदर। तो 10 से 12 दिन, कई घरों में 40 दिन। मृत्यु के काल में जो मृतकम है, ये अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग काल दिया गया। क्यों दिया गया, ब्राह्मण व्यक्ति 12 दिन के अंदर अपने दुख से बाहर आ जाता है क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। क्षत्रिय व्यक्ति 15 दिन में अपने ज्ञान से बाहर आता है क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों को अपनी सभा में बुलाया करता था। वैश्य 17 दिन में अपने ज्ञान से बाहर आता है क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगता है। शूद्र 30 दिन में बाहर आता है। भक्तिर सामर सिंधु अध्याय 8 रूप गोस्वामी लिख रहे हैं इस बात को। ऐसा नहीं कि कोई कर्मकांड की बात हो रही है, कर्मकांड की इसमें एक भी बात नहीं है, सारी बात भक्ति की है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं क्या ये भक्तों के लिए है, भक्तों के लिए ही मैं बोल रहा हूं। अब भक्तों का तो वैसे ही जाने वाले नहीं है कहीं पर भी, उनको कुछ भी कर लो, जो भगवान के भक्त नहीं हुए वो तो वैसे ही खराब हो गया उनका जीवन, तो उनकी तो मुक्ति होनी नहीं है। जो भक्त है वह भी किसी कारण से ना रुक जाए, उनके लिए नियम दिए गए। तो अब परिवार में मेंटली किसी की मृत्यु हुई है, अब वो व्यक्ति दुख में है, शोक व्यक्त है, उसके परिवार में खाना बनाने में रुचि आएगी, मसाले डाल के एंजॉय करें, तो उस परिवार की सपोर्ट की जाती थी कि भाई हम खाना बना के ले आएंगे, आप लोग, आपके आने जाने वाले हैं, आप थोड़ा उनका ख्याल रखो, ये नियम था। लेकिन आज लोगों में प्रेम ही नहीं है परिवार में,
मृत्यु हो जाने पर भी कोई दुख नहीं हो रहा, माता पिता भाई बहन किसी में संबंध समाप्त हो गए, तो कोई घर पर आए तो हमें भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग, ये सब चीजें बनेंगी घर के अंदर, कुछ भी नहीं रुकता है। कैसे नियम है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले सूतक किसको लगता है? इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को। जिस गोत्र में है उस गोत्र को लगता है सूतक, बेटी के साइड को नहीं लगेगा। यानी कि घर में बेटी आकर के भगवान का भोग लगा सकती है, खाना बना सकती है, भगवान के विग्रह की आरती कर सकती है, क्योंकि बेटी दूसरे गोत्र की होती है कि नहीं? तो परिवार की बेटी, कजिन, सिस्टर, कोई भी दूसरे गोत्र का, वो आकर के घर में आरती, अगरबत्ती, भगवान की पूजा नहीं रुकेगी। अभी शमशान से हैं फिर भी शाम की आरती होगी भगवान की, आप नहीं करोगे लेकिन दूसरा तो करेगा ना। जितने भी मंदिर हैं भगवान के, सब क्या आरती रुक जाएगी किसी के मरने से? सिर्फ बंद ही रहेंगे मंदिर सारे, तो घर का मंदिर क्यों बंद कर दिया आपने? आप नहीं करेंगे पर दूसरा व्यक्ति करेगा, बहन कर सकती है, दोस्त कर सकता है, दूसरा भक्त कर सकता है, पड़ोसी कर सकता है। सूतक कई लोगों पर नहीं भी लगता है। कौन कौन से लोगों पर नहीं लगता? जो वैदिक ज्ञान के बांटने में लगे होते हैं, वैदिक ज्ञान, वेद के जो टीचर होते हैं, अध्यापक, उनको सूतक नहीं लगता, क्योंकि एक भी दिन वैदिक कार्य रुकना नहीं चाहिए। अगर वैदिक वाले व्यक्ति को सूतक लग गया तो वेद पढ़ने बंद हो जाएंगे लोग, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं वैदिक व्यक्ति को सूतक नहीं लगता। वैद्य को सूतक नहीं लगता, सूतक लगा हुआ है, बोलो हमारे घर में किसी की मृत्यु गई और पड़ोस में कोई बीमार है और वैद्य दवाई ना दे, बोले मैं कर्म नहीं करूंगा अभी इस समय, मुझे सूतक लगा हुआ है, तो वैद्य को सूतक नहीं लगता। ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगता। जिस व्यक्ति ने शादी ना करके पूर्ण समर्पित भगवान को हो गया, मंदिर में रहता है, उसको कोई सूतक काल नहीं लगता। और जो लोग यज्ञ पूजा करवाते हैं डेली घरों में, होम करवाते हैं, उनको भी सूतक नहीं लगता। क्या नियम पालन करने चाहिए हमको घरों के अंदर? जिस घर में सूतक लगा हो 10 दिन का सूतक मिनिमम फॉलो करना चाहिए। मिनिमम 3 डेज का कोई नहीं होता, मिनिमम 10 दिन सबके लिए। बाकी क्षत्रिय वैश्य का तो और भी बड़ा हुआ टाइम है, लेकिन फिर भी 10 दिन तो सबको करना चाहिए। इस काल में ना तो किसी से भोजन लेना है ना किसी को भोजन देना है। मृत्यु के काल में स्वागत नहीं किया जाता, आइए आइए, कैसे आना हुआ, प्रणाम। भक्तों के घर में भी भक्त आते हैं तो कोई प्रणाम नहीं किया जाता, कोई प्रणाम नहीं होगा, ना भोजन लिया जाएगा, या हम प्रसाद लेके आए आपके लिए और आप भी हमें कुछ प्रसाद दे रहे हैं, ये मृत्यु के काल में नहीं होता। 10 दिन तक नो फूड रिसीविंग, नॉट गिविंग। पहले 3 दिन मृत्यु के बाद कम से कम 3 दिन बॉइल्ड फूड बनना चाहिए, उबला हुआ भोजन। वैसे तो कुछ लोग फल पर रहते हैं, कुछ लोग 10 दिन तक फल पर रहते हैं, पर कोशिश करो कम से कम 3 दिन तक का नियम तो रखना चाहिए। पहले 3 दिन अपने घर में कोई कुकिंग नहीं होती है, दूसरों के घर से ही भोजन आएगा, भक्तों के घर से प्रसाद। 3 दिन के बाद आप कुकिंग कर सकते हो, 3 से 10 दिन, 11 दिन 12 दिन। लेकिन 3 दिन के बाद कुकिंग में मिर्ची मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि तो प्रेत आत्मा जो होती है वो कहती है मैं चला गया शरीर छोड़कर, ये एंजॉय कर रहे, ये आनंद ले रहे अपने, लोग भटूरे खा रहे होते हैं, इधर मृत्यु इधर भटूरे खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, कह रहे जी हमारे यहां तो होता ही है। बिल्कुल गलत, आत्मा पकड़ लेगी आपको और फिर तकलीफें आती हैं लोगों के जीवन में बहुत सारी। तो नमक तेज मसाले 10 दिन तक घर में नहीं आने चाहिए। जब कभी भी नहीं रुकता, लोग बोलते हैं क्या चैंटिंग कर सकते हैं, चैंटिंग कभी भी नहीं रुकती है। मृत्यु में शमशान में माला नहीं जाएगी, शमशान से आए स्नान किया चैंटिंग कर सकते उस दिन भी, सेम डे। गरुण पुराण पढ़ा जा सकता है, भागवत नहीं पढ़ सकते लेकिन गरुण पुराण पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते, क्योंकि भागवत सेक्रेट स्क्रिप्चर है, वो 10 दिन के बाद पढ़ा जाएगा। लेकिन गरुण पुराण ऐसे काल में पढ़ा जा सकता है जो कि गुणों के अंतर्गत आता है, गीता पढ़ी जा सकती है। जो परिवार के लोग हैं उनको जमीन पर सोना चाहिए,
खाना जमीन पर बैठकर चाहिए, डाइनिंग टेबल और पलंग पर नहीं सोना चाहिए। श्रवण भगवान की कथाओं का नित्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि घर में मृत्यु हो गई तो श्रवण करना बंद कर दिया। कोई भी भौतिक एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए 10 दिन तक मृत्यु के काल के बाद, जिसमें है शेव करना, अच्छे कपड़े पहनना, मसाज करवाना पैरों में, टीवी देखना। है कोई जो 10 दिन तक टीवी बंद करता हो? उसी दिन आके शाम को खबर देख रहे होते जिस दिन मृत्यु होती घर। टीवी नहीं देखना चाहिए 10 दिन तक, कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई खबर नहीं। आपके घर में कोई चला गया आप पिक्चर देखोगे बैठ के? शीशा नहीं देखना चाहिए, बालों के अंदर कोई पुष्प नहीं लगाना चाहिए, गहने नहीं पहनने चाहिए, ज्वेलरीज परफ्यूम्स नहीं लगाने चाहिए, और शरीर में कोई तेल का मर्दन नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे जाने से बचना चाहिए सूतक काल। अब कोई धार्मिक कृत्य में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? धार्मिक कृत्य में जाएं तो दूर बैठे रहें, स्पर्श ना करें लोगों का। और कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्ति की मृत्यु पर अलग अलग सूतक का काल देगा। सूतक काल समझ में आ गया क्या करना है? भगवान का भोग लगेगा, आरती होगी, आपके घर में प्रसाद बनेगा, बॉइल्ड फूड बनेगा। आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपका नेबर बना सकता है, आपकी बहन बना सकती है, कोई डिवोटी बना सकता है। एक भी दिन भगवान का मंदिर बंद नहीं होगा, सूतक का नियम है ये। कुछ केसेस में इनको आगे पीछे किया गया, जैसे जिस घर में आप रहते हैं उस घर में किसी की मृत्यु हो जाए, पिता की, माँ की, दादा की, दादी की, तो 10 दिनों का सूतक काल लगता है। अगर किसी आचार्य या गुरु की मृत्यु हो तब भी 3 दिन तक का सूतक लगता है। अगर किसी फ्रेंड या क्लासमेट की मृत्यु हो जाए तो भी 12 घंटे का सूतक लगता है। ऐसे खबर मिली कि मेरा भाई, मेरा दोस्त नहीं रहा, तो 12 घंटे का सूतक उसको भी लगता है। जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है उसके मृत्यु होने पर 3 दिन का सूतक माना जाएगा। और अगर कोई छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है उसकी मृत्यु होने पर कोई सूतक नहीं लगता, ना ही उसका कोई पिंडदान होता है, ना ही उसकी कोई क्रिया होती है, उसको केवल बरियल किया जाता है, मिट्टी में दफनाया जाता है। अब कई लोग बोलते हैं सूतक परिवार में लगता है इमिजिएटली, तो दूर रहने वाले रिश्तेदार का भी लगेगा क्या? रिश्तेदार दूर रहते हैं गाँव में और हमें खबर मिली मर गए तो सूतक तो लगा, तो कैसे लगेगा, उसका क्या नियम है? शास्त्र कहते हैं, मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई और आपके पास फोन या चिट्ठी आने में 3 दिन बीत गए, तो जितने दिन बाकी रह गए 7 दिन, उतने दिन ही सूतक चलेगा। ये नहीं होगा कि जिस दिन खबर मिली उस दिन से फिर 10 दिन तक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। शुद्धि का दिन फिक्स होता है जब आत्मा ने शरीर छोड़ा उस दिन के टाइम से। कई लोग जलाने वाले टाइम को यानी दाह के टाइम को काउंट करते हैं, वो रॉन्ग है कंसेप्ट। जब शरीर से आत्मा लोगी मृत्यु का काल तो वही हुआ ना, डेथ डे कौन सा लिखोगे? तो लोग सर्टिफिकेट में लिखते हैं क्रिमिनेशन वाला डे और उसी से फिर नियमों को निकालते हैं। एक्चुअली अगर क्रिमिनेशन 3 दिन बाद हुआ तो मृत्यु तो 3 दिन पहले हुई ना, तो जिस काल में मृत्यु हुई वह दिन से लेकर 10 दिन शुद्धि के माने जाएंगे। क्रिमिनेशन वाले डे को काउंट नहीं करते। कई बार लोग 5-5 दिन बाद क्रिमिनेशन करते, लवारिस लाश से मिलती है 5 दिन 6 दिन कैसे, या फिर बहुत दूर कहीं इंटरनेशनली एक्सपायर हुए हो उनको लाने में 3 या 4 दिन लग जाते हैं, तो फिर कैसे आप मृत्यु का काल काउंट करेंगे? तो डेथ उस दिन है जब शरीर ने आत्मा को त्याग किया। अगर एक मृत्यु हुई है दिन घर में और दूसरी मृत्यु हो जाए उसके कुछ समय बाद, तो ऐसा नहीं होगा कि एक मृत्यु हुई फिर दूसरी चालू होगी तो अब ये 12 दिन हो गया भाई। एक की मृत्यु चल रही थी दादा, और दादा से दादी इतना प्रेम करते कि दादा के सुन के दादी 2 दिन बाद गुजर गई, तो भाई दादी के लिए अलग से 10 दिन नहीं होगा, इसी 10 दिन के काल में दादा दादी दोनों का हो जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर एक दिन बाकी रह गया है, 9वें दिन ही किसी की मृत्यु हुई, तब क्या होगा? तो इस काल को 2 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा 12वीं तक। अगर बिल्कुल उसी दिन 10वें दिन शुद्धि का दिन था और आज शुद्धि के लिए पंडित जी आ गए थे, यज्ञ हो रहा था घर में, चदरे बदले जा रहे थे। शुद्धि कैसे होती है? गंगा स्नान, घर के अंदर गंगा जल छिड़क दो,
सब लोग अपना हेड शेव कर लो, शेविंग कर लो, सारे बेडशीट चेंज कर दो घर के, बच्चों के कपड़े चेंज कर दो, ऑल्टर में भगवान का स्नान करा दो, तो ये शुद्धि हो गई घर की। जप माला को स्नान करा लो, सब शुद्धि हो गई। उसी दिन किसी की मृत्यु हो जाए फिर, तो फिर से 10 दिन रखेंगे? बोले नहीं, फिर 3 दिन के लिए एडिशनल सूतक लगेगा। अगर 13 दिन की 13वीं हो गई थी, 13वीं का भोजन खिला दिया, 13वीं हो गई, अब 13वीं के बाद किसी की मृत्यु हो गई तो क्या करेंगे ऐसे कल? तो फिर से 10 दिन का रखा जाए, यानी 13वीं तक आपके पास टाइम फ्रेम है। लेकिन 13वीं एक बार पूरी हो गई उसके बाद, अब देखिए इसमें भी 13 दिन काउंट किए गए, यानी 13 डेज की बड़ी वैल्यू है, 13वीं की बहुत वैल्यू है। चौथा करके खाना खिला के प्रेयर मीटिंग नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। अभी जन्म से पहले की भी मृत्यु होती है, जैसे मिसकैरेज हो गया। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, प्रभु जी 6 महीने का बच्चा गर्भ में ही मर गया, तो इसके लिए क्या कर्म करना चाहिए, इसका भी क्या पिंडदान होगा? 6 महीने का अगर बच्चा मर गया तो उसके लिए सूतक काल 6 दिन का होगा। जन्म वाले के लिए नहीं है, लेकिन मिसकैरेज के लिए है सूतक काल। 7 महीने का बच्चा गर्भ में मर गया तो 7 दिन का सूतक होगा, लेकिन जन्म लेने के बाद मर गया 5 साल तक तो सूतक नहीं होगा। अगर कोई बच्चा अनमैरिड था, लड़का पुरुष अनमैरिड था, और वह उसकी मृत्यु हो गई, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो क्या करना चाहिए? अनमैरिड का मतलब है यज्ञोपवीत किया हुआ या बिना यज्ञोपवीत वाला, क्योंकि पहले जमाने में 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका। आज तो ब्राह्मणों का भी नहीं हो रहा, शर्मा लिख रहे नाम में, जनेऊ नहीं पहन रखे, ऐसी घूम रहे डोल रहे इधर से उधर, उनके भी यज्ञोपवीत नहीं है बच्चों के। और माँ बाप भी सोच रहे जब शादी होगी तब कर लेंगे, कौन से जरूरी है संस्कार, आईटी इंजीनियर बन जाए ना, कंप्यूटर चलाना सीखे ना, वेबसाइट पे आए ना, नेटफ्लिक्स पे आए ना, ये इंपॉर्टेंस है। यज्ञोपवीत की इंपॉर्टेंस थोड़ी है, 50 साल का भी जीवन नहीं बचा लोगों का आज, 20 साल तक तो सोच ही नहीं पाते मैं कौन हूं, करियर क्या है। 20 से 50, 70 साल पे लोग मरना शुरू कर लेते हैं, 50 साल का भी जीवन नहीं छोटा सा, उसमें इतना घुस गए हैं कि अपने बेसिक संस्कार ही भूल गए। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों का यज्ञोपवीत 12 साल की उम्र से पहले पहले होना चाहिए, बच्चे का होना चाहिए। नहीं तो इस कौन में नियम है कि भाई भक्ति कर लो फिर ब्राह्मण दीक्षा ले लो, पर होना चाहिए यज्ञोपवीत। ऐसा कोई व्यक्ति मर गया जिसकी मृत्यु काल अभी आ गया और उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो उसका भी देखा जाए तो बरियल होना चाहिए, उसको भूमि में डालना चाहिए। यानी अनमैरिड गर्ल और अनमैरिड बॉय दोनों का बरियल होगा, अगर बॉय का कब, जब यज्ञोपवीत ना हुआ हो। यानी कि अग्नि भी चिता की तब मिलती है जब यज्ञोपवीत। और आज कैसे जलाते हैं, जैसे लोग पशुओं को जलाते हैं ना, नॉनवेज खाते हैं तो रोस्ट करते हैं, ऐसे लोग बॉडी भी जला देते हैं बिना सोचे कहाँ जाएगा आत्मा, निकल के क्या होगा, वो रोस्टेड खाते हैं ना खाना, वैसे वो शरीर को भी जलाते हैं शमशान में, इलेक्ट्रिक में, कैसे भी कर लेते हैं, टाइम नहीं है ना। ये एरोप्लेन बना रहे हैं ना अपने घरों में बैठे फ्लैटों में, टाइम नहीं है इनके पास, सब एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है, सब वैकुंठ ले जाएंगे सीधा बिठा के एरोप्लेनों में, 10 दिन का टाइम नहीं अपने माता पिता के लिए, बहुत बिजी है लाइफ। तो यज्ञोपवीत के बिना अगर चला जाए तो बरियल होता है, उसका आत्मदा, उसका शरीर दाह नहीं किया जाता। लेकिन शास्त्र कहते हैं फिर भी हमने 5 साल से आयु से अगर बड़ा लड़का हो और 5 साल की आयु से बड़ी लड़की हो तो अब उसका क्रिमिनेशन कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, ऑप्शनल है, बरियल भी कर सकते हो और उनको दफना भी सकते हो और दाह भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा 5 साल से कम हो तो उसका कोई सूतक काल नहीं है। 5 साल की आयु का हो तो 24 घंटे का सूतक लगेगा। अगर उसका चूड़ा कर्म संस्कार हो गया यानी मुंडन हो गया किसी बच्चे का तो उसके लिए 3 दिन तक का सूतक होगा। और किसी बच्चे का यज्ञोपवीत हो गया है तो फिर पूरे 10 दिन का सूतक हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। चूड़ा कर्म संस्कार यानी मुंडन, शिखा रखी हुई है।
है ना। और अब बात करते हैं अननेचुरल डेथ्स। अननेचुरल कैटेगरी में कौन कौन सी मृत्यु आती है? एक्सीडेंट हो गया किसी का, ये अननेचुरल है। सुसाइड कर लिया, ये अननेचुरल है। मर्डर हो गया, ये अननेचुरल है। कोई पहाड़ी से गिर गया, ये अननेचुरल है। किसी को किसी जानवर ने खा लिया, काट कर जंगल सफारी पे गए थे, शेर ने इनकी सफारी कर डाली, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? किसी डिसीज के कारण मृत्यु हो गई, कोई ऐसा इंफेक्शियस डिसीज शरीर में आ गया, उससे मृत्यु, तो ऐसे व्यक्ति को 10 दिन का सूतक तो करेंगे करेंगे, लेकिन सबसे मुख्य है 6 महीने के अंदर अंदर इनके परिवार को इस व्यक्ति के लिए नारायण बलि यज्ञ को करना पड़ेगा। नारायण बलि क्या होता है? भगवान नारायण यानी भगवान कृष्ण के शालिग्राम शिलाएं हो या भगवान कृष्ण का फोटोग्राफ हो, उनके सामने एक यज्ञ किया जाता है, जो कि आपको वहां के जो लोग करेंगे वो बता देंगे। नारायण बलि यज्ञ नहीं किया तो क्या होगा? जिस घर में एक्सीडेंट हुआ उसमें एक को एक्सीडेंट होगा 6 महीने के अंदर। जिस घर में एक को जानवर ने खाया, दूसरा भी किसी पशु या जानवर के काटने से उसकी मृत्यु हो, रिपीटेटिव डेथ्स होंगी घर के। इसलिए नारायण भगवान की पूजा मृत्यु को भी टाल सकती है, इतनी पावरफुल है। अगर किसी खराब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यानी कि बहुत शराब पीता था, ड्रग्स लेता था, स्त्री संग करता था, क्रिमिनल था, मर्डर केस चल रहे थे, अजामिल जैसा था मान लो, जिसने सारे नियम तोड़ रखे थे, ऐसे की मृत्यु हो जाए तो क्या इसका भी पूजा पाठ करेंगे, सूतक करेंगे? ऐसे व्यक्ति का कोई सूतक नहीं लगता। शराबी नरक जाएगा तो क्या सूतक और क्या पूजा उसकी? जो शराब पीकर मरा हो वो कहीं जाएगा, कुछ भी कर लो उसका। जिसने आत्महत्या करी हो कुछ भी कर लो उसका, कुछ नहीं होगा। गरुण पुराण कह रही है उसके लिए कोई सूतक काल नहीं होता, नो मॉर्निंग पीरियड, कोई दुख का काल नहीं है। नशा करके मर गया, स्त्री संग करके बीमार होके मर गया, सुसाइड कर लिया, क्रिमिनल था, क्या करें? लेकिन इसके लिए भी अगर नारायण बलि यज्ञ करा दें तो उसकी मुक्ति का चांस उत्पन्न होता है कि वो नरक जाने से बच जाएगा, पुनः पृथ्वी पर आएगा, फिर अपनी भक्ति की यात्रा शुरू कर सकता है। ऑप्शन अगर उसके लिए उसके घर वालों ने नारायण भगवान का पूजन कर दिया, अभी भी घर वाले वो देवी देवता में लगे रहेंगे तो बेचारा वो तो नरक में सेटल हो गया। और सेटल ही तो छोटा मोटा नहीं होता, 28 प्रकार के नरक है, रौरव, कुंभी पाकम, अंध्र तामिस्थ, तामिस्थ, जलेंगे, कुटेंगे, पिटेंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, भगवान को नहीं पकड़ेंगे। हाँ, यमदूत तो बनेगा बहुत जन्म बाद, जब प्रैक्टिस हो जाएगी, 100 बार जब आना जाना हो जाएगा नरकों का, तब यमदूत बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण के लिए मृत्यु हुआ है, जैसे एक फौजी देश के लिए मर गया, गाय की रक्षा में, आप गाय जा रही थी रोड पे, आपने गाय की रक्षा करी लेकिन कार ने आपको उड़ा दिया, आपकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसने अपने अंत काल में अगर ऐसी सेवा कर दी देश की, ब्राह्मण की या गाय की, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुला है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन, अर्जुन ने पूछा अगर युद्ध करते मर गया तो क्या होगा? भगवान बोले कोई बात नहीं, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार तो खुले। तो इसलिए फौजी के लिए भी सूतक काल नहीं लगता है। अगर फौजी व्यक्ति बॉर्डर पर एक्सीडेंट से नहीं मरा हो, लड़ाई करते मरा हो, देश के लिए, कॉज के लिए कोई मरता है, ब्राह्मण रक्षा हेतु मर गया या गाय की रक्षा हेतु, उसका स्वर्ग निश्चित है। और भक्त होगा तो फिर वैकुंठ। जिन लोगों ने फ्यूनरल अटेंड किया है, मृत्यु काल में गए हैं उस शमशान में, उनको क्या करना चाहिए, उनकी प्यूरिफिकेशन कैसे होगी? जब वो शमशान में गए तो जिस व्यक्ति ने अग्निदाह किया उस व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, सर का मुंडन करना चाहिए, शिखा छोड़नी चाहिए और फिर अग्नि लगानी चाहिए। पहले जमाने में अग्नि, गरुण पुराण के हिसाब से अग्नि घरों से आती थी, जैसे किसी के चूल्हे में अग्नि जल रही है
वो लेके जाएंगे, बोलेंगे हमारे घर में मृत्यु हो गई, थोड़ी अग्नि दे दीजिए, तो अग्नि देंगे चूल्हे से, माचिस से नहीं जलाएंगे। गांव के लोग मिलकर अपनी कम्युनिटी का क्रिमिनेशन अपनी घर की अग्नि से करते हैं। आज लोग माचिस से करते हैं, अभी तो मैं क्रिमिनेशन में गया था, वहां लाइटर से कर रहे थे। लाइटर का मतलब क्या, ठेंगा दिखाना, ठेंगा, पूरा जीवन भक्ति नहीं करी, ठेंगा, लेटा हुआ है, ठेंगा, माला नहीं करी, ठेंगा, लाइटर से कर रहे थे, ठेंगा दिखा। तो मैं सोचता रहता हूं, एनालिसिस करता हूं, देखो किसको ठेंगा दिखाया जा रहा है, बेचारे ने भजन नहीं किया, यहां पड़ा है, पूरा जीवन अकड़ता रहा, मैं अब यहां अकड़ रहा पड़ा है। तो कहते हैं अकड़ने के लिए मृत्यु काल छोड़ दो, जीवन में विनम्र बन के रहो, झुक कर रहो, सीखो जितना शास्त्र से सीख सकते हो, दूसरों से सीखो, तुम खुद तो पढ़ नहीं सकते हो, या तो खुद पढ़ लो या जो पढ़ा रहा है उसके विधि विनम्र होकर सीख लो, दोनों ही चीज नहीं करेंगे अकड़ेंगे। अरे अकड़ने के लिए मृत्यु है, वहां अकड़ के मुर्दा पड़ा रहता, अकड़ का एकदम टाइट होगा, है कि नहीं। तो जिसने अग्निदाह किया है उसको स्नान मुंडन, उसको कोई लोहे का पदार्थ अपने पास रखना चाहिए, वरना आत्मा उस पर आक्रमण करती है, क्यों, तूने कैसे मेरे शरीर को अग्नि लगा दी। भाई हम तो मानकर बैठे कि हम मरने वाले, अगर ये मान ले कि हमारी मृत्यु आने वाली है तो भक्ति नहीं करेंगे। हम मानकर बैठे कि हम मरने वाले नहीं, तभी तो पिज्जा का फोन कर रखा है, 30 मिनट बाद पिज्जा ले आना, क्योंकि पता है मैं 30 मिनट तो जीवित रहूंगा पिज्जा खाने के लिए। अगर ये पता हो कि अगला पल मैं मर सकता हूं तो कोई बुक करेगा पिज्जा, कोई 10 साल बाद फ्लैट बुक करेगा अगर पता हो कि मैं मरने वाला हूं 10 साल में। सब सोचकर बैठे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी है, मजे से रहेंगे परमानेंट, इंद्र के बाद हमारा ही नंबर है, इसीलिए तो बुकिंग करा रहे हैं, इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना, जहां इन्वेस्ट करना है हरी में वहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। एक छोटा बच्चा था, वो हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता था, हमेशा पढ़ाई नहीं करता था। उसके माँ बाप अपने गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी हमारा बेटा हमेशा वीडियो गेम खेलता है, पढ़ाई नहीं करता, ध्यान नहीं देता, न पूजा पाठ कुछ नहीं करता। गुरुजी बोले अच्छा इधर आओ बेटा, हाथ दिखाओ। ओहो हो, 12वीं में पढ़ता था। बोला क्या हो गया गुरुजी, अब हो कर रहे। कह रहे बेटा दुखदाई बात है, छोड़ो खबर क्या बतानी। बोले नहीं बताइए। नहीं छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे माता पिता को बता दूंगा। बोले नहीं बताओ बताओ। कह रहे 24 घंटे बाद तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई है। कह रहे अच्छा। ऐसा उदास हो गया, घर आया लेट गया सीधा। भाई आया कहता है भाई चले नई पिक्चर लगी है। कह रहे अब इंटरेस्ट खत्म हो गया। बहन आई तेरे लिए बढ़िया पकौड़िया बनाई है, गुलाब जामुन। कह रहे कोई इच्छा नहीं है। पूरा दिन निकल गया 24 घंटे, ना कुछ करे ना कुछ करे, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद उठे और बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। थोड़ी देर बाद उठकर भजन करे। माता पिता दुखी हो गए, बोले गुरुजी ने क्या कह दिया इससे। गुरुजी को फोन लगा रहे हैं, गुरुजी आएंगे। बोले आऊंगा शाम को आऊंगा। शाम को गुरुजी आए, बोले क्या हो गया। बोले देखिए ना, आपने पता नहीं सुबह से क्या कह दिया, सुबह से पढ़ा है ना, कुछ खाता है ना कुछ देखता है, बस हरे कृष्णा करे जा रहा है और लेटा लेटा पता नहीं क्या कर। गुरुजी बोले उठो उठो चलो बाहर आओ, ऐसा नहीं करते। कह रहे आपने तो कहा था 24 घंटे बाद मेरी मृत्यु आने वाली। कह रहे नहीं वो तो मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए कहा था कि जिसको पता हो कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है उसको इस संसार में कोई आनंद आएगा। हमें आनंद क्यों आता है, क्योंकि हम मान बैठे हैं यहां रहना है परमानेंट। नंबर भी पैन नंबर ले रखा है, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट। नौकरी कौन सी, टेम्परेरी परमानेंट, परमानेंट लग गई लड़के की। वीजा कौन सा, टेम्परेरी परमानेंट, परमानेंट। है कोई परमानेंट यहां, कोई नहीं, फिर भी परमानेंट के चक्कर में लगे। दिस होल लाइफ इज अ टेम्परेरी लाइफ, एवरी वन इज टेम्परेरी, एवरी मिजरी इज टेम्परेरी। यहां दुख भी टेम्परेरी है और सुख भी, यहां की उपलब्धियां भी टेम्परेरी है और यहां की परेशानियां भी टेम्परेरी है, यहां इंसान भी टेम्परेरी है और ये प्रकृति भी टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। विचार करो। तो जो अग्निदाह करते हैं, अग्निदाह करके आने के बाद उस व्यक्ति को लोहा रखना चाहिए अपने पास, कोई चाकू या वो, क्यों, आत्माएं आक्रमण करती, मेरे शरीर को जलाए। जमीन पर सोना चाहिए, सूखा खाना चाहिए, और जो परिवार के लोग हैं
उनको भी जो शमशान में गए हैं आकर के स्नान करना चाहिए। मैंने एक को देखा वो आकर रोटी खा रहा था बैठ के, मैं कहा नहा तो लो, कह रहे हम कौन सा गंदे हो गए, हम कौन सा गंदे हो गए। शमशान से आने के बाद स्नान करना चाहिए, नीम की पत्तियां चबानी चाहिए, हल्दी पाउडर डालना चाहिए सिर के ऊपर, और घी की एक चम्मच खानी चाहिए। इसमें से कोई भी क्रिया कर सकते हैं, गंगा जल डाल लें, घी की चम्मच खा लें, हल्दी डाल लें, नीम की पत्ती खा लें, और घर आकर घर में एंटर करने से पहले ही संपूर्ण स्नान करना चाहिए गंगा जल से। एटलीस्ट स्प्रिंकल तो कर ही ले, फिर बाथरूम में जाकर नहा लें। देखिए हमारे शास्त्रों में तो बड़ी पवित्रता का विचार है। एक व्यक्ति जाना जाता है पवित्रता से, ये तो मैंने नहीं कहा, फिलोसफर्स ने कहा है, क्लीननेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस। जो जितना स्वच्छ रहता है वो उतना भगवान के नजदीक रहता है। गंदे बाल, गंदे शरीर में, गंदा गंदा शरीर हो रखा है, खुजली कर रहे हैं ऐसे, और है ना वो आजकल एडवांस माने जा रहे हैं, बियर्ड लंबी लंबी रखते हैं, ऐसे खुजली करते रहते हैं मूंछों पे, ऐसे खुजली, खाना भी खाते हैं उसी हाथ से। कितनी जगह अपवित्रता है, मनुस्मृति में लिखा है, जो मनुष्य के लिए स्मृति लिखी गई, मनु महाराज ने मनुष्य बनाए, मनुष्य के लिए स्मृति लिखी मनुस्मृति, उसमें लिखा है 12 चीजें आपको अपवित्र कर देती हैं। क्या क्या करती हैं पवित्र? पुरुष का वीर स्खलन होना उसको अपवित्र कर देता है, लोग नहाते नहीं है। खून निकल जाना शरीर से, कट लग जाए, उसके बाद स्नान करना चाहिए, अपवित्र होता है, स्त्री हो या पुरुष हो। मैरो, बोन मैरो होती है ना, मैरो, शरीर से मैरो का निकल जाना अपवित्रता है। यूरिन पास कर देना अपवित्रता है। नहाते हैं लोग, यूरिन पास करने के बाद भी नहाना चाहिए, एटलीस्ट आचमन करना चाहिए, यानी जल लेकर 3 बार कुल्ला करना चाहिए, 1, 2, 3, उसका थोड़ा जल लेकर सिर पर डालना चाहिए, ओम अपवित्रम पवित्रम वस्मते पुंडरीकाक्षा सा भयम अभ्यंतरम शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 times यूरिन के बाद भी। स्टूल पास किया, मल त्याग किया तो नहाना निश्चित ही है, तब आचमन से काम नहीं चलेगा। और जहां जहां ये व्यक्ति बैठेगा उस घर में वो तो स्थान को अपवित्र करेगा। इन्फेक्शियस व्यक्ति इधर उधर बैठता, कहते हैं पूरे घर में मत घूमो, इन्फेक्शन फैला दोगे, तो यह भी अपवित्रता है, इन्फेक्शन है। 6 प्रकार के नाक में उंगली देना, म्यूकस, आंख का कीचड़, आंखों के आंसू, शरीर का पसीना, कान का मैल और गले से कफ निकलना, ये सब चीजें भी व्यक्ति को अपवित्र बनाती है। अगर कफ फिंग करके आए हैं 3 बार कुल्ला करना पड़ेगा, नहीं तो आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, एटलीस्ट इतना तो बेसिक है। ये है तो बहुत सारा, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। रुमाल से कर रहे हैं, फिर खाना भी खा रहे हैं उसी से, पसीना भी आ रहा है, उसी में आरती कर रहे हैं घरों में, भगवान प्राप्त नहीं हो रहा, पत्थर है, आपने क्या कर रखा है। एटीएम मशीन के अंदर एक पिन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो पैसा नहीं निकलता, या भगवान निकल आएगा आपके लिए? कुछ भी करोगे, थोड़ा सा भी पिन टेढ़ा मेढ़ा हुआ, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 गड़बड़। और बताए हैं, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति मदिरा पी के स्नान करना आवश्यक है। अगर स्नान नहीं करता है मदिरा पान करने वाला, यह अपवित्र व्यक्ति है। बोले वो तो पापी है, तो फिर इसको यहां क्यों लिखा गया? बोले इसलिए लिखा गया कि कोई व्यक्ति कहता मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन मैं खाली बोतल उठाकर देता हूं, बोतल का स्पर्श करने वाले को भी आचमन करना पड़ेगा, शुद्ध अगर विचार देखा जाए तो। कोई व्यक्ति जमादार है, झाड़ू लगा रहा रोड पर, कोई भी हो सकता है, जाति, हम जाति स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, जो कर्म कर रहा है, घर का भी व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति के जो बिना नहाए झाड़ू लगा रहा, आपने उसका स्पर्श किया तो स्नान करना पड़ेगा। पशुओं में विशेष करके नाम लिखे हैं, सुअर, गधा, कुत्ता और कौआ, ये 4 पशु या पक्षी अगर स्पर्श कर गए तो स्नान करना आवश्यक है, कुत्ता, गधा, सुअर और कौआ। हाँ, कबूतर बीट कर दे तो कबूतर से पूछना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया आपके ऊपर। फिर भी गंदा हुआ तो स्नान आचमन तो करेगा, कम से कम शुद्धि तो करेगा।
उस हाथ से खाना तो नहीं खाएंगे आप मेरे ख्याल से? खाएंगे? बीट साफ करके खाएंगे हाथ से खाना? हाथ तो धोएंगे ना साबुन से, मिट्टी से आचमन करके? हाँ, उसका आंसर मैं दूंगा अभी इसको पूरा करने के बाद। अगर किसी की शमशान घाट की धुआं भी लग जाए किसी के शरीर पे, जैसे रोड पर जा रहे हैं और धुआं आ रहा है, धुआं लग गया वह भी अपवित्र कर देता है। माताएं जो रजस्वला होती हैं, तीन दिन स्नान से शुद्ध होती हैं, चौथे दिन अगर स्नान नहीं करेगी बालों के साथ तो उसे शुद्ध नहीं माना जाता। ऐसे इन सारी क्रियाओं को गरुड़ पुराण में, मनुस्मृति में लिखा है, ये सब अपवित्र करने वाली, इसीलिए व्यक्ति को आज तक आनंद सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो सब गड़बड़ करके बैठा है अपना। खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, आचमन करना चाहिए, सोकर उठने के बाद स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, और पर अपनी स्त्री अपने पुरुष के साथ भी अगर आपने संसर्ग किया है उसके बाद स्नान करना जरूरी। तो जिनके घर में कुत्ते हैं उनके घर में कभी देवता भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते। महाभारत के आखिरी पर्व में लिखा है, युधिष्ठिर महाराज ने यह बात यमराज से पूछी, धर्मराज ने कहा कि मैं ही कुत्ता बन के तुम्हारे साथ चल रहा था। जब पांडव लोग स्वर्ग रोहिणी को जा रहे थे महाभारत प्रसंग के अनुसार, तो सबके सब जा रहे थे, तो पहले द्रौपदी गिर गई, फिर भीम गिर गए, फिर नकुल सहदेव, फिर अर्जुन, अंत में केवल युधिष्ठिर बचे और एक कुत्ता। तो धर्मराज ने कहा कि स्वर्ग में एक ही आएगा, या तो कुत्ता या इंसान। तो युधिष्ठिर ने, क्योंकि धर्मराज थे, उन्होंने कहा कुत्ता जाएगा। तो कुत्ता प्रकट हुआ, वो बोला मैं ही धर्मराज हूं, मैं परीक्षा लेने आया था कि सही मायने में तुम कैसा विचार रखते हो, तुम्हारे में कल्याण का विचार है इसलिए तुम्हारे लिए अलाउड है, जाओ स्वर्ग में चलो। तब फिर उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि स्नान करिए और फिर स्वर्ग में चलिए। बोले स्नान करना क्यों जरूरी है? तब फिर वहां पर धर्मराज ने युधिष्ठिर को बताया, जो स्वयं भी धर्मराज के अवतार थे, कि जिसके घर में कुत्ता है उसके घर में देवता भोजन स्वीकार नहीं करते, महाभारत में लिखा है। देवता भोजन पे दृष्टि नहीं डालेंगे, स्वीकार ही नहीं करें। जितनी बार वो आपका स्पर्श करेगा उतनी बार आप स्नान करते हैं, और अंत में आसक्ति हो गई। बोलते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में लिखा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अंत कलेवरम ताम ताम एवेति कौन्तुये सदा तद भाव भावितः। अंत में जैसा स्मरण करके शरीर छोड़ा वैसा शरीर मिलेगा। जितनी स्त्रियां हैं इन्होंने पिछले जन्म में पुरुष का स्मरण नहीं किया, स्त्री का किया, ये पुरुष थे तो स्त्री बन गए, स्त्रियों थी उन्होंने पुरुष का किया तो आज वो पुरुष बने बैठे। आज आप कुत्ते का करोगे तो क्या बनोगे? ये गीता में लिखा है 8वें अध्याय, पढ़ लीजिए 5वां नंबर श्लोक। भरत महाराज ने हिरण का स्मरण किया, भारत के राजा थे भारत देश के, उनको हिरण बनना पड़ा अपने अगले जन्म में। तो इस संसार की आसक्तियां आपको कहां ले जाएंगी? तो कई प्रकार की शुद्धि शास्त्र में, एक तो जल से शुद्धि होती है, मंत्र शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि होती है, स्थान शुद्धि होती है। यह शुद्धि होने के बाद ही भजन हो सकता है उस घर में। तो किसी की मृत्यु जाने पर ये 5 शुद्धि होनी जरूरी है। कौन कौन सी? स्थान शुद्धि कैसे होगी? गंगा जल डाल दिया पूरे घर में, 10 दिन हो गए, यज्ञ हो गया, शुद्धि हो गई, स्थान शुद्धि। द्रव्य शुद्धि, घर में जितने पदार्थ हैं जो बने हुए हैं या बन रहे हैं उनमें तुलसी पत्र डालने से वह शुद्ध हो जाते हैं। तीसरा चित्त शुद्धि, चित्त की शुद्धि कैसे होगी? भगवान की हरि कथा का श्रवण और हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और चित्त, द्रव्य, स्थान, जल शुद्धि, अपने शरीर की शुद्धि करने के लिए स्वयं की शुद्धि कैसे होगी? जल से, स्नान करने से, गंगा जल से। 10वें दिन जिसने अग्नि दाह भी किया है अब ये पूरे कपड़े पहन सकता है, पहले केवल इसको गमछे में रहना आधे, पूरे कपड़े नहीं पहन सकता, बाहर घूमने नहीं जा सकता, पार्टियां नहीं कर सकता। आजकल लोग ऐसे हो गए, एक मेरे को कह रहे थे, हमारे दादाजी गुजर गए थे और मुझे फोन किए, बोले 8 दिन हो गए हैं, आज ही शुद्धि कर लेते हैं, घर में शादी है तो 2 दिन पहले कर लेते हैं, शादी तो नहीं टाल सकते ना,
मृत्यु तो क्या है, आए गए ठीक है। मैं कहा आप देख लीजिए, मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण के कल्चर में हूं, ब्राह्मण गुण में हूं और ब्राह्मण कर्म में भी हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, शास्त्र पढ़ाता हूं, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। आपको शादी करनी है कर लीजिए, मेरे बड़े थे, मैंने उनको बोला आपको जो करना है कर लो, मैं शास्त्र का पालन करूंगा। शास्त्र में लिखा है यम शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते काम करात न सुखम न सिद्धिम आपनोति, न सुखम न पराम गतिम, ना तो जीवन में कोई सिद्धि मिलेगी, ना मरने के बाद सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी, मैं तो ये करूं। तो उन्होंने क्या किया, 8 तारीख को शुद्धि कर ली अपने घर में और शादी कर ली। 6 महीने बाद खबर आई डाइवोर्स हो गया। नियमों का पालन ही नहीं हो रहा, लोगों के लिए हंसी मजाक है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है तो करके देखो, करके देख लो, करके देख लो एक बार। ऐसे पछताओगे, ऐसे पछताओगे ना अगर नियम पालन नहीं किए, पूरा जीवन पूरा का पूरा फैमिली ही सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो द्रव्य शुद्धि, स्थान शुद्धि, जल शुद्धि, चित्त शुद्धि और मंत्र शुद्धि। मंत्र बोलने चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए, बोलिए पुनंतो माम देवजनः पुनंतो मानसः द्विजः पुनंतो विश्वभूतानि जता वेदा उन्हीं में। इस मंत्र को बोलने से अगर हमसे कोई गलती भी हो तो शुद्ध हो जाता है। और अंत में हरिनाम संकीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोलने से हरिनाम जो भी त्रुटियां हों क्रिया में उसको पूर्ण कर सकते, इसीलिए इसका नाम है महामंत्र, ये मंत्र नहीं। अब जितने भी हमने चर्चाएं करी, सूतक नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, लेकिन पिंड दान करना चाहिए। पिंड दान क्या होता है, पिंड दान का मतलब होता है आटा, जौ और घी या दूध, तिल, काले तिल, काले तिल, आटा, घी या दूध लेकर के गोले बनाते हैं, पिंड बनाते हैं। 10 पिंड का दान 10 दिन के अंदर होना चाहिए। उससे क्या होगा, जिस शरीर ने 13 दिन बाद अपनी यात्रा शुरू करनी है उसको शरीर कैसे मिलेगा चलने के लिए, कहते हैं ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल पैर होंगे तो पैदल जाएगा, तो फिर क्यों बोलना चाहिए था ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां उड़कर ही जाना है, पैदल क्यों बोला, पैर होंगे ना, पैर कहां से आएंगे। तो जो आप पिंड दोगे उससे अतिवाहक शरीर प्राप्त होता है, जिससे 11 महीने की यात्रा पूरी की जाती है, इसको बरसी कहते हैं, 1 साल बाद तब वहां पहुंचेगा 11वें महीने में, तब निर्णायक काल आएगा। आप नीचे भंडारा कर रहे होगे 12वीं 13वीं का और ऊपर निर्णय लिया जा रहा होगा, अब इसको क्या करना चाहिए, इसको कौन से स्वर्ग में भेजे, नरक में भेजे, भक्त बना के वैकुंठ भेजे, पृथ्वी पर भेजे। तो 11 महीने कैसे चलेगी यात्रा, पिंड दान से। और पिंड दान नहीं किया तो फिर ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां लंगड़ा के जाना है, एक भी पिंड रह गया तो लंगड़ा लंगड़ा के जाएगा। बच्चा बोलेगा हमें पता ही नहीं था, तो बताओ बताओ, न्यूज चैनल में सुन सुन के नहीं बता रहे हो अपने परिवारों में, बेटा नई डिग्री निकली है, कनाडा का वीजा मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया का इजी है, ये सब नहीं बता रहे हो, ये भी बताओ। और आपको इसी संसार में रहना है, नरकों में तलना है, फिर कोई बात नहीं, फिर आराम से टीवी देखो, एंजॉय करो। इफ यू वॉन्ट लिबरेशन, मुक्ति, तो अवश्य इसको पढ़े और अपने परिवार में पढ़ाए नॉलेज। एंड टाइम में जिसके घर में कोई दुख होता है उस व्यक्ति को तो ज्ञान होता नहीं है, वो भटक रहा होता है, मुझे कोई बता दे, कोई गाइड कर दे, और टाइम इतना तेज कट रहा होता है, आदमी सोचता है यार जो हो गया सो हो गया, आप ठीक है। अगर पहले से प्रिपरेशन हो तो आप देख सकते हो, आज गीता आपने पढ़ रखी है और कोई पंडित जी गीता पढ़ने के लिए आपने बुलाए और वो गलत श्लोक बोले तो आप पकड़ लेंगे उनका, ये आप क्या बोल रहे हैं। ऐसे अगर पिंड दान की नॉलेज हो तो आप पकड़ सकते हैं, क्रिमिनेशन में क्या कर रहे हो आप गलत।
तो नॉलेज होना चाहिए, कम से कम अपने पूर्वजों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए हम कुछ तो अच्छा कर सके। जीवन काल में जीते जी उनको कुछ दे नहीं पाते और मृत्यु के बाद भी नहीं दे पाते। मासिक श्राद्ध होना चाहिए आत्मा के लिए, हर महीने के लिए जिस तिथि को गुजरे हैं भोजन निकालना चाहिए, एक महीने, एक साल के लिए, फिर एक साल बाद बरसी करके समाप्त हो जाता, फिर यात्रा उसकी अगली यात्रा शुरू हो जाती। अगर नरक गया तो उसको नरकीय शरीर मिलेगा जहां पर यातना दी जाएंगी, यातना शरीर। अगर स्वर्ग गया तो उसको एक दैव्य शरीर दिया जाएगा जिसमें देवताओं का सुख भोग करेगा। अगर पृथ्वी पर आया तो माता पिता के वीर्य से उसे नया मनुष्य शरीर मिलेगा। पशु योनि में गया तो पशु के माता पिता से पशु योनि का शरीर मिलेगा। अगर भगवान के धाम जा रहा है तब तो उसे दिव्य शरीर मिल रहा है, यानी शरीर के परिवर्तन होते हैं। इसलिए भगवद गीता में बड़ा फेमस श्लोक है, वासाम से जड़ना यथा व्याय नवानि यान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयन्ति नवानि देहि। दूसरा अध्याय 20 नंबर। जिस तरह से आदमी दिवाली पर पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है कोई दुख नहीं होता, ऐसे जीवात्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर, तो दुख किस बात का। तो कई बार तो लोग अपने माता पिता को वेंटिलेटर पर भी 20-20 दिन जीवित रखते हैं। तो प्रभु जी ने मुझसे प्रश्न किया था जब कृष्ण वासु माता जी बीमार थी, पीड़ित थी, कि हमें क्या करना चाहिए, वेंटिलेटर पर जाएं कि नहीं जाएं। मैंने मना किया तो डॉक्टर कहता है, प्रोटोकॉल तो कहता है कि वेंटिलेटर लगना चाहिए, लेकिन सच बताऊं नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा था ना डॉक्टर। लेकिन हम लोग सोचते हैं शायद पैसे से हम मृत्यु को जीत लेंगे, अपने माता पिता परिवार को बचा लेंगे, लेकिन जिसका काल आया है उसको कोई मशीन नहीं बचा सकती। इसलिए उनकी इजी गो में हेल्प करनी चाहिए बाय चैंटिंग हरि नाम, गजेंद्र मोक्ष, है ना, प्रार्थनाएं करनी चाहिए उनके लिए, नरसिंह कवच, और ऐसी प्रार्थनाओं से उनकी यात्रा आसान बनती है। जितना जितना व्यक्ति रोता है उतना उतना आंसू जीवात्मा को पीना पड़ता है कफ के रूप में, उसका भोजन वही है। पुनर्जन्म होते हैं अगर प्रॉपरली कर्म इनका ये जो कर्म ना किए जाए तो उसके इनकार्नेशंस होते हैं और उनको स्मरण भी रहता है। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो मेरे बारे में, मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन आपको कैसे याद। भगवान ने कहा कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं लेकिन तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे तो याद है, क्योंकि मैं परमात्मा हूं और तुम आत्मा हो। आत्मा भूल जाती है तो जैसे ही हमारा शरीर चेंज होगा, प्रकृति को नियम दिया है, मेमोरी चिप को डिलीट कर दूसरे को बेचो, फॉर्मेटिंग। जब आप अपना एक नंबर सरेंडर करते हो मोबाइल का तो उसको फॉर्मेट करके दूसरे को दिया जाता है। कभी कभी होता है फॉर्मेट नहीं होता तो फोन आते, ए बबलू कहाँ है। एक बार मुझे कोई फोन कर रहा था, मैं कहा बबलू नहीं हूं मैं, प्रशांत मुकुंद दास हूं। कह रहा गुरु जी गलत जगह लग गया, क्या करे बेचारे, तो फॉर्मेट नहीं किया था नंबर, फिर कंपनी को बोला, उन्होंने फॉर्मेट किया था। फिर कई बार लोगों के पास उसके डकैती के फोन आते हैं, उनके नंबर किसी डकैत के पास होते, बाद में इनके पास आ जाते, कह रहा काम हो गया, कहां दूं पैसा। लोग घबरा जाते हैं, कह रहे क्या हो गया, पैसा कहां से आ रहा है। तो फॉर्मेट करते हैं, तो ये हर आत्मा के लिए फॉर्मेटिंग है। लेकिन अगर उसे कर्म प्रॉपर ना हो, मंत्र ना हो, फॉर्मेट नहीं होता, फिर क्या होता है, रीइनकार्नेशन होता ही है, हर जीवात्मा को आना ही है, लेकिन उसको पुरानी याददाश्त बनी रहती है। अभी हमारे इधर फरीदाबाद के पास एक गांव है होटल, कई सारे न्यूज चैनल पर आया था, 7-8 साल पहले बच्चे का ट्रैक्टर से मृत्यु हुई, उसके परिवार में गुस्से ने उसको मर्डर कर दिया, गिरा दिया, वो इधर मरा और इधर उसका दूसरे गांव में जन्म हुआ। तो प्रश्न उठता है कि भाई जन्म होने में तो कम से कम 1 साल जाने में, फिर 1 साल मां के गर्भ में, तो 2 साल का टाइम गैप तो होना चाहिए रीइनकार्नेशन में। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं कल मरा था और आज रीइनकार्नेट हो गया, क्योंकि 11 महीने का सफर, फिर वहां निर्णय, फिर नीचे आया, तो मां के गर्भ में 9 महीने, तो 2 साल तो लगभग लगे।
तो उसके मृत्यु में उसके जन्म में 5 साल का गैप, तो उससे पूछा गया जब वो 5 साल का हो गया, यानी 5 साल का गैप और 5 साल का बच्चा, यानी मृत्यु में 10 साल का गैप आया, तो उसने बताया कि किसने मेरी मृत्यु करी थी, उसने बताया किस तरह से हुई थी, और उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया जो कि 10 साल अब एज हो चुकी, जब वो मरा था तब कुछ और साल, अब 10 साल बड़ी है। उसने बताया तुम्हारे इस शरीर में इस जगह ये चिन्ह है, हमारे 4 बच्चे हैं, लड़की का नाम ये है, लड़के का नाम ये है, हमारी माँ का नाम ये था, दादी का नाम ये था, तुम्हारी माँ का नाम ये था, तुम्हारी नानी का नाम ये था, सब बता दिया उसने। तो उसकी मेमोरी चिप गई नहीं है, फॉर्मेट नहीं हुई है। अब उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, तो एक बहुत बड़ा, जैसे मैं भी न्यूज चैनल्स पर जाता रहता हूं, तो एक न्यूज चैनल पर उसकी डिबेट हुई कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, तो कुछ लोग कह रहे थे फेक बोल रहा है, अभी फेक कैसे बोलेगा, इसके माँ बाप जिसके जन्म हुआ है वो कह रहे हैं हमारा बच्चा सुबह उठकर इस घर की याद करता है, हमारे घर में सेटल नहीं हो पा रहा, 10 साल का हो चुका है और सब कुछ बता रहा है कि मैं यहाँ पढ़ता था, यहाँ सोता था, ये मेरा दोस्त है, उसका दोस्त इतना बूढ़ा है, कर ये मेरा दोस्त है, हम चौक पे नहीं बैठते थे, मैंने तो ये चुटकुला नहीं सुनाया था, सब बता दिया उसने। फिर भी लोगों को बिलीव नहीं होता रीइनकार्नेशन, कह रहे किसने देखा, जाके देख लो, बहुत दूर नहीं जाना है, ये होटल में। और अब उसने ये सब बताने के बाद डिबेट हुई, डिबेट क्या कह रहे हैं, उससे पूछा तुम्हारे साथ हुआ क्या, क्या तुम्हारी 11 महीने की यात्रा हुई, क्या तुम यमदूत ले गए थे, कह रहे क्योंकि मेरा मर्डर हुआ जो मैंने बताया, नारायण बलि यज्ञ नहीं हुआ मेरे लिए, तो प्रेतों की सभा में मुझे ले जाया गया, मैं अपने अंतिम संस्कार में अपनी छाती पर बैठकर गया, मैंने अपनी छाती पर बैठकर अपनी बॉडी को जलते देखा, मैंने मतलब उस आत्मा ने शरीर के ऊपर बैठकर देखा, जब जल रही थी तो मैं चिल्ला रहा था क्यों जला रहे हो, मैं वापिस आया, आने के बाद मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, मैं सबसे कह रहा था मुझे देखो मैं हूं पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा था, वो बच्चा बता रहा है। फिर मैं सामने पेड़ के ऊपर बैठा रहा, एक नीम का पेड़ है उनके घर के पास, बोला नीम के पेड़ पे बैठा रहा, फिर 13 दिन जब पूरे हो गए तब मेरे को पकड़ने के लिए प्रेत आ गए, क्योंकि मेरा यज्ञ नहीं हुआ था इसलिए यमदूत यमलोक नहीं ले गए, प्रेत लोक ले गए। रस्ते में एक तांत्रिक ने प्रेत सिद्धि कर ली और उसने दिल्ली में मुझे पकड़ लिया, इसी दिल्ली में, होटल में मरा, दिल्ली में पकड़ा गया। प्रेत ने मुझे 6 साल तक बंद रखा एक बोतल के अंदर, तांत्रिक ने बोतल में बंद रहा, 6 साल बाद उसकी बोतल गलती से सफाई करते में टूट गई उसी से किसी से, तो मैं मुक्त हो गया। फिर मैं भागा, भागने के बाद में मैंने सोचा मेरा घर कहाँ है, मैं दोबारा से आऊं, लेकिन यहां पर तो सब कुछ बदल चुका था। खाने के लिए मैं जो लोगों के डाइपर्स होते हैं बच्चों के, ऐसे गंदे स्थान से, कूड़े के स्थानों से, मैं सुगंधी को खाकर, कफ थूक इसको खाकर मैंने अपना गुजारा किया, जीव प्रेत आत्मा ने। इसलिए प्रेत गंदे स्थानों में होते हैं, जिस भी घर में होते हैं वहां पर बाथरूम के अंदर होते हैं प्रेत, गंदे स्थानों में होते हैं। सच बात है, कैप्चर कर लेते हैं अच्छे खासे आदमी को, हाँ कठिन है, लेकिन आप पढ़ेंगे देखेंगे तो इस रियलिटी ऑफ लाइफ को फेस कर पाएंगे। फिर जब उसे मुक्त किया गया, उसने परिवार ढूंढा, तब उसको एक गर्भ मिली, उसने उस गर्भ में प्रवेश किया, कह रहा अब मैं संतुष्ट हूं। मैं बता, अब 7 साल पहले इंटरव्यू आता था, अब उसका लेटेस्ट मैंने एक इंटरव्यू देखा था, और वो बच्चा कितने साल का हो गया, 17 का। अब उसको ये सब बातें करने में अच्छा नहीं लगता, कह रहे अब मैं अपने जिस परिवार में मेरा अब जन्म हुआ है ना, मैं उसी में सेटल होना चाहता हूं, मैं पुराने वाले को भूलना चाहता हूं, तो मेरे लिए वो एक नाइटमेयर हो गया, एक बुरा सपना। लेकिन उसने कई सारी चीजें बता दी कि एक आत्मा के साथ होता क्या क्या है। तो अपने IPL मैच देख लिया और वर्ल्ड कप देख लिया और खुश हो गए, ताली बजा के पटाखे जला के सो गए खा के। लाइफ बहुत छोटी है, इसको इस्तेमाल करो प्रभु की प्राप्ति के लिए। मैं चाहता था इस चीज को थोड़ा सा व्याख्यान करूं कि सूतक काल क्या होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं आत्मा की क्या गति है, तो आज हमने उस पर चर्चा करी है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते।
माइक माइक ये भी लगाओ। हरे कृष्ण छोड़ो ऐसे ही पूछो, चलो ऐसे ही पूछिए। जिस घर में हरि नाम होता है उस घर में प्रेत आते हैं? जिस घर में हरि नाम होता है, अरे घर तो छोड़ो, जो हरि नाम करता है उसको भी प्रेत लगते हैं। प्रेत सबको लग सकते हैं क्योंकि प्रेत की भी क्वालिटी होती है अलग अलग। मान लीजिए कोई हरे कृष्ण महामंत्र करने वाला एक्सीडेंट हो गया और उसका नारायण बलि यज्ञ नहीं हुआ और श्रद्धावान भक्त था नहीं, वो सभी देवताओं को भगवान मानता था क्योंकि भक्त तो मतलब एक कृष्ण भक्ति करता है, लेकिन जो मल्टीपल डेमिगॉड वर्शिप कर रहा है और मर गया तो भगवान की दृष्टि में कौन है? एक साधारण मनुष्य भक्त तो है नहीं। भक्त का तो ध्यान एक तरफ होता है फोकस, तो उसका क्या होगा? वो प्रेत बन जाएगा। अब ऐसा प्रेत बनने वाला किसी ऐसे घर में तो जाएगा जहां पर भजन करने का मौका मिले। एक माता जी को एक प्रेत चढ़ गया, भक्त माता जी को बोलता था मायापुर लेके चलो, मायापुर लेके चलो, मायापुर लेके चलो। जैसे माता जी मायापुर पहुंची शरीर हल्का हो गया, बोला धन्यवाद, फ्री टिकट चाहिए था उसको, टिकट खर्च नहीं कर सकता था प्रेत, फ्री का ट्रेवल चाहिए था। तो शरीर में आकर आत्माएं अपना भोग अपनी इच्छाएं पूरी करवाती है ना। तो एक्चुअली अनुभव किनको होते हैं? जो इन सब चीजों में रहते हैं। अब मैंने अपने 20 साल के इस कृष्ण भावना विविध करियर में 200 से ज्यादा लोगों को लेक्चर दिए होंगे मृत्यु काल के, इतने शमशान घाटों में गया हूं, इतनी जगह अकेले स्थानों में कथा करने जाता हूं, इतने सारे अनुभव होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि भागवत एक ऐसा कथा है जिसको सुनने से अच्छे अच्छे प्रेत गायब हो जाते हैं। तो कई लोग भागवत कराने हमसे बुलाते हैं कि अरे आप भागवत कर दीजिए हमारे पितरों के उद्धार करवाने। वो पितर आ जाते रात में, तू आया हमारा उद्धार करने, होता है। तो इसलिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन शुद्ध हरि नाम होगा अगर तो प्रेत की मुक्ति होगी आपसे, आएगा। अब मेरे पास क्यों आते हैं प्रेत? मुझे बहुत अनुभव हुए, इसलिए थोड़ी आते हैं कि मैं कोई पापी व्यक्ति हूं। वो इसलिए आते हैं कि भाई हम हरि नाम लेते हैं तो इसको बोला मेरी मुक्ति कर दो, और जैसे हरि नाम लो गायब हो जाते हैं। पिशाचनी मिली, प्रेत मिले, अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं, बड़े बड़े जंगलों में हम जाते कथा करने, कहीं भी रुकवा देते आश्रम के अंदर, कह रहे प्रभु जी आपके लिए एक रूम ये है, रूम में रात में आक्रमण हो जाते हैं, ठीक है पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन भगवान का भक्त डरता नहीं क्योंकि वो जानता है प्रेत कौन है, वो एक आत्मा जिसको शरीर नहीं मिला, बस क्या करेगी। तो आप तो कल्याण के मार्ग में हो तो आप जब करते हो आप उसको बोल दो हरे कृष्णा, डरना किस बात का? भगवान का भक्त निर्भीक होता है, निर्भय होता है, वो डरता नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। जब पूजा होती है ना पिंड की तो क्या बोला जाता है पता है? जब तक उसका सपिंडी क्रिया ना हो तब तक उसकी पूजा में बोला जाएगा प्रेत। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम सुरेश, उसकी शरीर छूट गया, अब उसकी पिंडदान पूजा हो रही है तो कैसे बोलेंगे? प्रेत सुरेश अमुक गोत्रे प्रेत 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 खंड प्रेत पिंड प्रेत पूजा होगी। जब सपिंडी हो जाएगी उसकी दो दिन बाद 12वीं तिथि में, तब बोला जाएगा पित्र सुरेश, पित्र पित्र बन जाएगा वो, वरना प्रेत ही रहता है। अब पिंडदान नहीं हुआ तो वो कौन है? प्रेत ही है, वो घूमता रहेगा शमशानों के बाहर, गाड़ियां निकल रही शमशान के बाहर, रोड पे नहीं, रोड नहीं चलती है, वहां खड़े रहते हैं, जो अच्छा लगता है हमारे मैच का है, हम भी ड्रिंक करते थे ये भी ड्रिंक करता है, बैठ गया। अब ये पी रहा है तो उसके मुख के अंदर चला जाएगा, कहेगा और पी दो गिलास, और भोग करेगा आपके शरीर में आकर, ओवर पावर कर जाती है वो आत्मा आकर। तो जो भक्त होते हैं वो डरते क्यों नहीं है? शीला प्रभुपाद को प्रेत मिला, आप कह रहे हो हरि नाम करने वाले में प्रेत नहीं आता, प्रभुपाद जी के पास प्रेत आ गया। प्रभुपाद जी भजन लिख रहे थे और प्रभुपाद जी जानबूझ के गए, उनके दोस्तों ने कहा एक ऐसा मकान है
जो कि खाली रहता, कहते हैं गोस्ट हाउस है, हॉन्टेड हाउस है, लेकिन वो सस्ते में है। आप मकान ढूंढ रहे हैं, ग्रंथ लिखने, परिवार वाले डिस्टर्बेंस करते हैं, मुझे कोई जगह चाहिए जहां मैं ग्रंथ भगवत गीता जो आप पढ़ते हैं उसको लिखने के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा, एक बड़ा कैसल था वो ले लिया, उस कैसल में रहे। रात को लिखने बैठे तो राजा आ गए, और राजा टोडरमल टाइप का कोई राजा था, वो आ गया और आकर के कभी शाही गिरा दे, कभी पन्ने उड़ा दे। तो बोलते कौन हो, सामने क्यों नहीं आते हो, भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो। कह रहा अब जब आप प्रेत से प्रश्न करते हो ना, तब प्रेत को बोलने की शक्ति मिलती है। ये किसने बताया? हनुमान प्रसाद पोद्दार को प्रेत मिला, उसने बताया कि जब आप प्रश्न करोगे तो प्रेत बोल सकता है, वरना बोल नहीं सकता, वो घूमता रहेगा, बोल नहीं सकता। जब आप पूछो कौन है, कौन है, कौन है, तब बोल सकता है, उसको पावर मिलती है। और वो भी कौन पूछे, हरि नाम लेने वाला पूछे कौन है, तो उसे प्रेत को शक्ति मिलती है कि वो बोलेगा मैं कौन। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कौन हो, तो बोला कि मैं एक राजा हूं जो इस किले का राजा था, लेकिन मेरी मृत्यु हुई थी बड़ी दर्दनाक, मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया, लेकिन मैं आज भी इसमें रहता हूं और किसी को रहने नहीं दूंगा, तुमको भी नहीं रहने दूंगा। कहा तो मुक्त क्यों नहीं हो जाते, तड़पते क्यों? कह रहा मुक्ति कैसे होगी, कहा भगवान का नाम लेने से। कहा बोलो भगवान का नाम, हरे कृष्णा। प्रेत के नाम नहीं ले पाया भगवान का। तो प्रभुपाद ने कहा ले नहीं सकते हो, सुन तो सकते हो, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक माला करूंगा। प्रभुपाद जी ने 108 मनके की एक माला की, थोड़ी देर बाद उसका दर्शन हुआ, पूरा प्रकट हुआ। बोला मैं आपका धन्यवाद देता हूं, इतने वर्षों से मैं यहां प्रेत बन के पड़ा था, आज मैं यहां से मुक्त हो रहा हूं। तो प्रभुपाद जी हमारे स्कॉन के फाउंडर आचार्य शिक्षा दिए, प्रेत वेत तो मिलेंगे जीवन में, कौन सी बड़ी चीज है, इससे डरना क्या। उन प्रेतों से तो वो प्रेत जो साथ में घूम रहे संसार में वो कितने खतरनाक है, उससे तो हमें डर लग करके हम दूर रहते हैं, इनसे तो दूर भी नहीं रहते, साथ रहते हैं इनके। तो ये कब काटेंगे आपको मालूम है? हाँ, लेकिन प्रेत के भी कई कैटेगरी है, पिशाच है, खा सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, ये अलग अलग कैटेगरीज है, एक नहीं, असुर दानव सब अलग अलग है, इन सबके पास अलग अलग, किसी के पास बॉडी होती है, जैसे धनु माता से आने वाले दानव है, पेड़ों के ऊपर रहने वाले यक्ष है, विशाल काय शरीर वाले असुर है, जो देवता नहीं है, भगवान विष्णु को जो नहीं मानते वो असुर है। स्मृतव्यम विष्णु सुरहा, जो विष्णु का स्मरण करते हैं उन्हें सुर कहते हैं, विस्मृतव्यम विष्णु असुरहा, जो विष्णु का विस्मरण करते हैं उन्हें असुर कहते हैं। जो लोग भगवान विष्णु को नहीं मानते वो असुर है। उनके सींग होंगे जरूरी नहीं है, काले रंग के होंगे जरूरी नहीं है, पैंट शर्ट पहनकर जा रहे होंगे, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करते, असुर है। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन के कल्टीवेशन में, हाँ हाँ प्रेत अंदर चला जाएगा उसके। हाँ अभी तो बताया वो मायापुर जाने वाली माता जी के अंदर प्रवेश किया, बोले मायापुर लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो, लेकिन हानिकारक नहीं होता। जिसके गले में कंठी है, जिसके जिह्वा पे भगवान का नाम है, हाथ में हरि नाम है, उसका अनहित नहीं कर सकता प्रेत। उसे डिमांड तो कर सकता है लेकिन अनहित नहीं कर सकता। कार्तिक में, हाँ हाँ हाँ, सूतक काल में ऑयल इम्प्योर चीज है, इम्प्योरिटी का एक अंश है। जैसे भाई वॉमिटिंग करना एक इम्प्योरिटी है ना, शरीर में बाल केश इम्प्योर है, इसलिए तो हम लोग मुंडन करते हैं क्योंकि शरीर में बाल इम्प्योर है। जब नई की दुकान पर पड़े होते हैं, कोई कहता है जरा 100 ग्राम देना, वही माता जिसके लंबे लंबे बालों में शिकाकाई लगाया है वो कटवा देती है, पैसा भी दे देती है, लोग काट भी लो पैसा भी ले लो, कभी नहीं कहती जरा 200 ग्राम उठा के दे दो मेरे बाल, क्योंकि बाल गंदे हैं, पाप है इसके। इसलिए लोग बालाजी जाते हैं, वहां पर बाल अपने पाप भगवान को समर्पित करते हैं। वेंकट पापों को काटने वाले भगवान, बाल ला जी, बालों को लेके आओ जी। ऑयल में भी इंप्योरिटी है, शरीर पे लगाएंगे तो ऑयल इज इंप्योर थिंग।
जब शरीर का मर्दन करते हैं, मसाज करते हैं, तो इंप्योर हो जाते हैं, उसका स्नान करना है। वैष्णव सदाचार में लिखा है तेल लगाने के बाद नहाना जरूरी है। भगवान की पूजा नहीं कर सकते, कोई वर्शिपिंग नहीं कर सकते, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तेल लगाने के बाद स्नान करना आवश्यक है घर में भी डेली। तो लोग नहाने के बाद तेल लगाते हैं, वो रॉन्ग है, रॉन्ग कंसेप्ट है। वैष्णव सदाचार कहते हैं पहले तेल लगाओ फिर स्नान करो फिर आप जो करना। वैदिक शास्त्रों का हाँ नहीं लगता नहीं, संस्कार तो किया जाता है, पिंडदान नहीं होता, संस्कार तो होते हैं, संस्कार संस्कार तो होते हैं, अंतिम बॉडी तो अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा उसका। हाँ, जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उनको तो बरियल किया जाएगा, दफनाया जाएगा या पानी में विसर्जित किया जाएगा, तो उनका पिंडदान जरूरी नहीं। नहीं, सूतक जरूरी नहीं पर पिंडदान तो होगा। सूतक हाँ, सूतक सूतक जरूरी, पिंडदान तो सबका होगा, हर जीवात्मा को करना चाहिए क्योंकि उसको बॉडी देनी है ना अगली यात्रा के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे पिंडदान के बारे में आपने बताया, तो हमारे सनातन धर्म में ही पिंडदान जो परिवार लोग करते हैं उनका परसेंटेज काफी कम रह गया, और औरों में तो होता ही नहीं है। होता नहीं है, तो मतलब उनकी मुक्ति नहीं होती, कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं होती किसी भी धर्म समुदाय का। जब तक सनातन रीति से उसका अग्निदाह संस्कार पिंडदान नहीं होगा उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड में जितने भी जो जैसे बाहर की कंट्रीज है जहां प्रभुपाद जी पहुंच गए वहां की बात नहीं कर रहा, मतलब उसके अलावा तो मतलब किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो अलग बात है, नहीं उद्धार मेरा मतलब कि पिंडदान के बिना उनको शरीर जो आप बता रहे नहीं मिले, मिलेगा अपनी प्रेत योनि भोगने के बाद। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, वो आप नारायण यज्ञ बता रहे हो कि नारायण बलि यज्ञ, वो क्या चीज होती है? भगवान कृष्ण का एक यज्ञ किया जाता है, कृष्ण को समर्पित करके कृष्ण फिर उसमें आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम्हारी जो एक्सीडेंटल वो इम्प्योरिटीज थी उसको मैंने प्योरीफाई कर दिया। अच्छा, तो ये मतलब बाद में किया जाता है? 6 महीने के अंदर अंदर मृत्यु, 6 महीने के अंदर अंदर ये अगर करा दे तो फिर कुछ आशा है। जैसे पिंडदान की विधि है ना, बहुत लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं पता, खास करके मैं अपनी बताऊं तो उसको जानना है तो क्या सीखें? कुछ नहीं, इसमें कोई साइंस नहीं है, सीखना सिंपल है। आटे और तिल दूध लेकर के 3 पिंडदान मृत्यु के समय घर के अंदर होते हैं, 2 पिंडदान शमशान में होते हैं, फिर बाकी पिंडदान वहां के जो लोग होते हैं वो बता देते हैं। 10 दिन के अंदर 10 हो जाने चाहिए, कुछ जगहों पर 10 से अधिक करवाते, 17 करवाते, कहीं 21 करवाते, कहीं 27 करवाते हैं, एडिशनल कितने भी हो मिनिमम 10 होने चाहिए। अच्छा, इसके प्रोसेस में जैसे कुछ ऐसे सिस्टम? कुछ ऐसा नहीं होता, बस लेकर के डेड बॉडी के नीचे रख दिया जाता है, हमारी ओर से हमने उसके लिए शरीर दे दिया। अच्छा, अगर आप देखो भागवतम के 3rd canto के अंदर जब देवहूति माता को कपिल देव भगवान ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें बताया पहले महीने का पिंड, दूसरे महीने का पिंड। पिंड शब्द इस्तेमाल, पिंड का मतलब बॉडी पार्ट्स, क्योंकि हम जैसे कल्चरल बेस की तरीके से हर जगह अपना अपना तरीके से होता है, हम तो वहाँ पे जैसे अपने एरिया में जैसे ना 1 दिन में ही 9 दे देते हैं। अब वो भी ठीक है पर 10 दिन में 10 तो मिल गए और लास्ट में 1 देते हैं। अरे भाई, गाड़ी की डिलीवरी करानी है, पहले दिन गाड़ी ले आए, दूसरे दिन नंबर प्लेट ले आए, तीसरे दिन एसेसरी लगवा लाए, गाड़ी तो गाड़ी है, या तो पूरी डेवलप करके आखिर दिन ले आओ या धीरे धीरे करके ले लो, दोनों में बात बराबर। अच्छा, चलेगी तो 13 दिन के बाद ही, चलेगी तो 13 दिन बाद ही बॉडी। मेरा प्रश्न क्या ये था कि जैसे शास्त्रों में कहीं है तो प्रोसेस को हम किस, ऐसा कुछ डिफाइन प्रोसेस नहीं है। अच्छा, संक्षिप्त रूप में गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसे ऐसे दान करना चाहिए पिंडों का, आटे और तिल के, क्योंकि प्रभु जी हम अगला जनरेशन को तो कम से कम ये इतना ही बता दो कि तो बहुत हो जाए। अच्छा ठीक, प्रभु जी आपका तो हो गया, पीछे माता जी का। 1 मिनट माता जी, इनका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पितृ किसे कहते हैं? मतलब जैसे कहते हैं ना हमारे पितरों के लिए हम करते हैं। हाँ। नहीं, पितृ दोष नहीं, मतलब पितृ कौन, पितृ क्या होते हैं? ठीक बात है, अच्छा प्रश्न है माता जी का। तो पितृ कौन होते हैं माता जी? जैसे मैंने बताया
कि किसी का पिंडदान हुआ, घर में कोई भी थे, दादाजी थे, उनको जब हमने 10 दिन पिंडदान किया, तो पिंडदान देने के बाद जो पूजा होती है वो प्रेत पूजा होती है, कि पहले ये बॉडी में था, अब ये बॉडी के बिना है, तो इसे प्रेत या भूत कहते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूत यानी पास्ट, पास्ट में इनका शरीर था, अब इनका शरीर नहीं है, तो इन्हें प्रेत कहेंगे। 12वें दिन एक क्रिया होती है, इसका नाम है सपिंडी क्रिया, यानी कि पुराने जो लोग पितृ हैं उनमें इनके बॉल को, आटे की बॉल को मर्ज किया जाता है, तो उसको कहते हैं सपिंडी, यानी कि दादाजी के पिताजी थे उनका नाम लेंगे, दादाजी का नाम लेंगे और वहां पर उन दोनों को मर्ज कर देंगे, अब ये क्या बन गए, पितृ बन गए। अब पितृ कौन होते हैं, हमारी भूमि लोक के ऊपर एक लोक है, उसका नाम है पितृ लोक। स्वर्ग लोक जाने से पहले उसे वेटिंग स्टेशन कहते हैं। जो भी जीवात्माओं को स्वर्ग में अभी जगह नहीं मिली है तो उनको कुछ दिन के लिए वेटिंग स्टेशन पर वेट करना पड़ता है, उसे पितृलोक कहते हैं। इसीलिए पितृलोकों के लिए जब पितृपक्ष आता है साल में 15 दिन, तो उनके लिए भोजन निकाला जाता है स्पेशली, क्योंकि वेटिंग स्टेशन पर उनको स्वर्ग का खाना भी नहीं मिल रहा और उनको जो है पृथ्वी पर भी खाना नहीं मिल रहा। तो पितृ अगर वेट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, तो वो अपने परिवार के जनों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भोजन दें, तो 15 ही दिन भोजन करते हैं क्या, लोग पूछते हैं। तो हमारी पृथ्वी का एक साल उस पितृलोक का एक दिन होता है बराबर, तो उनका लंच टाइम होता है और हमारा पितृपक्ष होता है, उनका 1 डे हमारा 1 ईयर। तो हमारे 1 ईयर में जब पितृपक्ष आता है उनके 24 आवर में वो काल लंच टाइम होता है, उस समय वो एक आयरमा नाम का उनका राजा है, पितृलोक के राजा का नाम है आयरमा, कौए की शेप में, तो वो राजा जो है उसका वाहन है कौआ, उस कौए को नीचे भेजेंगे और वो अपनी कौए की प्रजाति में बोलेगा जाओ सभी घरों से अपने अपने पितरों के लिए भोजन लाओ। अब प्रश्न उठता है कि अगर पितृ 5 साल 10 साल 15 साल, हमें क्या पता उन्होंने शरीर लिया है या नहीं लिया है, अगर वो शरीर ले चुके होंगे तो कोई बात नहीं, गाय ने खा लिया, ब्राह्मण ने खा लिया, और जो भोजन आपने गाय या ब्राह्मण को दिया वो भोजन अगर स्वर्ग में गए होंगे तो अमृत होकर के उनको मिलेगा, अगर पशु योनि में गए होंगे तो घास बनकर के उसको मिलेगा, अगर मांसाहारी योनि में गए होंगे तो मांस बनकर के आपका भोजन मिलेगा, अगर वैकुंठ चले गए होंगे तो प्रसाद बनकर मिलेगा, पर आपका भोजन वेस्ट नहीं जाएगा, पितृलोक में होगा तो वैसे मिलेगा, योनि मिल चुकी होगी तो वैसे मिलेगा और मिलेगा भोजन। यस माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। प्रभु जी, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए काफी प्रोटेक्शन इस तरह से की जाती है घर में कि उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो उनके ऊपर भी किस इस तरह से जो प्रेत हैं वो आक्रमण कर सकते हैं और उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पे आई थिंक कहीं पढ़ा है या कहीं देखा है काफी टाइम पहले, इसलिए इस तरह का मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि प्रेत तो किसी पर भी असर कर सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी पर। सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबीज और इतने छोटे। भगवान का नाम, और बोलते हैं बच्चों के पास में कुछ आयरन चीजें रखने से या भगवान के चित्र रखने से, नरसिंह का चित्र रखें, हरि नाम रखें, तो इससे प्रेत को प्रॉब्लम होती है, भगवान के नजदीक नहीं आते हैं, वो भगवान के नाम के नजदीक नहीं आते हैं ज्यादातर। अगर कोई स्पिरिचुअल प्रेत होगा तो वो बच्चे को वैसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उससे तो अपनी डिजायर पूरी करनी है, पर कोई शैतानी आत्मा जिसे कहते हैं, शैतान होगा कोई, तो वो नहीं आ पाएगा अगर आयरन होगा, भगवान होंगे, और जो डिवोटी आत्मा होगी वो वैसे बच्चों को परेशान नहीं करती, क्योंकि वो तो अपनी डिजायर किसी से पूरी कराएगी जो उसको भक्ति या मुक्ति दे सके। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जैसे अगर एक साल नहीं होता है मृत्यु के बाद, अगर एक साल वाली पूजा नहीं हुई है अभी तक में, और इसके बीच में पितृपक्ष आता है, तो उसमें क्या तर्पण कर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जरूरत नहीं है उस आत्मा के लिए, तो नहीं, किसी और का करना है। पूर्वजों के लिए अपने बाकी जितने भी हमारे पूर्वज का कर सकते हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई उसका नहीं करेंगे, उसका एक साल बाद तर्पण शुरू होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बताया कि गरुड़ पुराण और गीता का पाठ कर सकते हैं मगर भागवतम का नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसा क्यों प्रभु जी? वो है तो भगवान की वाणी भागवत, क्योंकि बहुत अम्लम पुराण है, पवित्र स्थिति में पढ़ा जाता है भागवत। आप देखते हो भागवत कथा होती है, जब हम लोग जाते हैं कितना पूजन, मंत्र उच्चारण, उसके बाद हम भागवत को रखते हैं, तो भागवत की रिस्पेक्ट, बिकॉज उसकी जो सुप्रीमेसी है बहुत ज्यादा है, मोस्ट पावरफुल इन द मोस्ट प्योरेस्ट स्पॉटलेस पुराण इज भागवत पुराण। गरुड़ पुराण इज मेंट फॉर
लाइक मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ गुडनेस, इसके अंदर जैसे तीन कैटेगरी में पुराणों को बांटा गया है, तो कुछ पुराण पढ़े जा सकते हैं मृत्यु के काल में, बट नॉट श्रीमद भागवतम, उसे सुना जा सकता है, पढ़ नहीं सकते, सुन सकते, भागवत कथा सुन सकते, भगवत गीता प्योर है, इसलिए उसको भी पढ़ना नहीं है, सुनना है, गरुण पुराण पढ़ सकते, वो परिवार नहीं पढ़ेगा, दूसरा व्यक्ति पढ़े उसके, हाँ वो तो भागवत भी पढ़ेगा, कोई सुनाएगा तो लेकर तो आएगा ना भागवत, भागवत अपवित्र नहीं होती है, वो व्यक्ति अपवित्र से भगवान की ड्यूटी क्यों नहीं छू रहा, वो व्यक्ति अपवित्र है ना, सुन सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी जैसे आपने बताया कि क्रिमिनेशन के दौरान जो ये अंतिम संस्कार विधि कर रहे हैं तो उनको आयरन रखना चाहिए, और अभी आपने बताया कि बच्चे के पास भी आयरन, तो ये पर्टिकुलर जो आप आयरन कह रहे हैं तो आयरन का क्या स्पेसिफिक मतलब इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या मतलब रीजन क्या है? सम एलिमेंट्स लाइक वी ऑल आर मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स, सो फाइव एलिमेंटल बॉडी नहीं होती है तो माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, सूक्ष्म शरीर हर आत्मा के साथ रहता है, तो कुछ एलिमेंट्स से दे गॉट रिपल्शन, जैसे मैग्नेट है वो आयरन से अट्रैक्ट होती है, लेकिन आयरन पर रस लगाओ तो अट्रैक्ट नहीं होती है, सो द घोस्ट्स हैविंग अ रिपल्शन विद द आयरन, नेगेटिव एनर्जी तो वो लोग उससे रिपल करते हैं, तो ऐसा मेंशनड है, तो उसका डिस्कवरी नहीं किया कभी कि क्यों रिपल्शन का, व्हाट्स रिपल्शन। थैंक यू माता जी। जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है, हम किसी के घर जाते हैं, तो वहां का हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? अगर 10 दिन के अंदर आप किसी के घर जा रहे हैं तो उसके घर का पानी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, 10 दिन के बाद जा रहे हैं तब ले सकते हैं। और ये पितृ दोष जो होता है, कई पंडित बताते हैं कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, ये क्या होता है? पितृ दोष ये होता है माता जी की, जब पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं, उनका पिंडदान आदि क्रियाएं नहीं होंगी, तो वो पितृ वहां पर डिस्टर्ब होते हैं, तो जब डिस्टर्ब होते हैं उनको श्राद्ध का भोजन नहीं मिलता, तो वो कर्ज करते हैं, श्राप देते हैं अपने परिवार के लोगों को कि हम यहाँ भूखे हैं, तुम यहाँ मजे कर रहे हो, जाओ तुम्हारा नाश हो। तो उसका उपाय क्या है? पितरों की संतुष्टि के लिए भागवत कथा कराना, मंदिरों में दान देना, हरिनाम संकीर्तन कराना, पितरों के लिए भगवान का भोजन प्रसाद बताना, ये सब। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए उनके घर का, लेकिन जैसे जब शव को अग्नि देकर जब वापस आते हैं, तो कई घरों में ऐसा होता है कि बहुओं के जो मायके वाले होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं प्रसाद, और वो होता है, तो वो भी प्रसाद नहीं लेना चाहिए? देखिए मृत्यु के घर में तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए जब तक शुद्धि ना हो जाए। और एक और चीज, जो शुद्धि की जो आपने सूची बताई थी कि जिसके अंदर शव को अगर अग्नि दी जा रही तो धुआं भी अगर लगता है तो स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर किसी की शव यात्रा अगर निकल रही है और उस पर दृष्टि अगर पड़ती है तो फिर भी स्नान देना चाहिए? नहीं, उसका नहीं लिखा है समझ, लेकिन वैष्णव सदाचार में लिखा है कि अगर आप उसको पूरा देख ही लो यात्रा को, तो फिर आपको स्नान करना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले, उस टाइम इनऑस्पिशियस हो गए तो आचमन कर लो सिर पे, फिर बाद में घर जाके जब टाइम मिले स्नान। लेकिन अगर आप क्रिमिनेशन ग्राउंड में चले गए उसका धुआं लग गया तो फिर तो आपको स्नान करना ही चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर तो ऑन द स्पॉट फिर सारे काम छोड़कर पहले स्नान कर। ठीक है, हरे कृष्ण। हो गया प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया सूतक काल में फूड ना देना चाहिए ना लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम बाहर वाले परिवार के लिए बनाकर कोई भक्त लाया, अपने 5-6-10 लोग जो परिवार के उन्होंने ले लिया, फूड लेने का मतलब है कि मैं आपके लिए कुछ प्रसाद गिफ्ट लेके आऊं, जो भी मिलने वाले हैं वो आपके लिए कुछ फल फ्रूट लेकर आ रहे हैं, वो दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एंड यू शुड नॉट गिव एज अ गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट टू समवन, बट वो नेचुरल फूड तो खाना ही पड़ेगा डेली लिविंग के लिए, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट दिस इसका मतलब है कि हमें गिफ्ट्स लेना देना नहीं है, कि कोई 1 किलो एप्पल ले आया कि मैं आया था बड़ा दुख लगा, तो वो हमें नहीं लेना। प्रभु जी एक ये और है, जैसे क्रिमेशन के टाइम में कहते हैं ना कि कोई और कोई भी नहीं है अगर, तो रिलेशन में लाइक बेटा कर सकता है या कोई और भी कर सकता है, तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सन एंड सन इन लॉ? सन इन लॉ तो करता ही नहीं है, सन इन लॉ का तो स्ट्रेट अवे मना लिखा हुआ है कि सन इन लॉ शुड नॉट कम नियर टू दी
बॉडी ऑल्सो, और सन कर सकता है, सन कजिन्स कर सकते हैं, ब्रदर्स कर सकते हैं, और नहीं तो किंग कर सकता है, पुजारी कर सकता है। एंड इफ देर इज नो वन, ना बेटा है, ना कजिन है, ना भाई है, पूरे परिवार में कोई नहीं, ना राजा है, ना मित्र है, ना पुजारी है, तो फिर लड़की कर सकते हैं। दैट इज द लास्ट ऑप्शन। थैंक यू। माता जी पीछे। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया जो अनमैरिड होते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया या वो करते हैं, उसका क्या रीजन है प्रभु जी कि इनको जलाया नहीं जा रहा है? अग्नि संस्कार करने के लिए एक अप्रूविंग वो होता है, तो जिनका विवाह होता है उनको माना जाता है कि दे आर अप्रूव्ड फॉर द अग्निदाह संस्कार, और पुरुषों का जिनका यज्ञोपवीत होता है उनको अप्रूविंग अथॉरिटी देती है सनातन धर्म कि ये अप्रूव्ड है, अदरवाइज बरियल करो, पानी में डालो या जलाओ। भागवत कहती है कीट मलह भस्म, ये तीन तो हमें होना है, तो उसमें इतना वो नहीं कि भस्म हो गई तो क्यों हमें बरियल किया। बरियल हो या भस्म हो, दोनों ही तरीके से बॉडी को डिके करना जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोल को प्रोटेक्ट किया जाए। आत्मवत्सु सर्वरक्षेतु कहते हैं, आत्मा की रक्षा हमेशा होनी, आत्मवत्सु सर्वरक्षेतु, आत्मा की रक्षा होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द बॉडी। बॉडी का तो क्रिमिनेशन बाद वाले लोग जैसे करें, अब हमें क्या पता हमारा कौन करेगा, उसके लिए क्या चाहिए सोचना, आत्मा के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री पंचतत्व गौंडताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।